ठीक है, तो अब बातें में देखो ध्यान समझना, कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। लगभग अब 25 दिन मान के चलो, 25 दिन बचे हैं टोटली, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ चाहे कितने नंबर आए, टेस्ट सीरीज छोड़ दो, टेस्ट सीरीज को लगा दो भाग, कोई कुछ ज़रूरत नहीं है, जो कर रहा था वो फालतू मत करो, कोई ज़रूरत नहीं टेस्ट सीरीज लगाने की, ठीक है। एक आध देखे देख लिया सीसेट में, ठीक है, एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लास्ट के जो 25 दिन बचे हैं, ठीक है, तो इसमें ओनली PYQ सोल्व करना, और इसके अलावा कुछ भी सोल्व मत करना, पहली बात, ठीक है। कोई टेस्ट मत लगाना ज़्यादा, अब देखो जो अपना प्रैक्टिकल खेलो, फिर मुझे मत बोलना बाद में। मुझे पता है कुछ लोग फिर भी करेंगे ये काम, मैं मना कर रहा हूँ तब भी करेंगे ये काम, ठीक है। तो अब टेस्ट लगाने का टाइम नहीं है, क्योंकि टेस्ट के अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी चलती है। अभी 25 दिन बचे, ओनली PYQ सोल्व करना, ओनली, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वो सीसेट मैं आज करवा दूंगा, वो PDF भेज दूंगा, ठीक है। तो सीसेट में जिसको अभी भी डर लग रहा है, नहीं डर लग रहा उसको भी करना है, ये चीज़ याद रख लेना। ज़्यादा डेड होशियार मत बन जाना कि हाँ हमारा सीसेट निकल रहा है, रिवीजन करना है। तो वो मैंने जो नोट्स भेज दिया हूँ वो पढ़ना है, और PYQ लगाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सीसेट में NCERT भी छोड़ दो, जिसने देख लिया देख लिया, अब जब तक साल भर से मैं बोलते आ रहा हूँ तब तो पढ़ा नहीं, तो आप NCERT भी साइड में कर दो। मैंने बोला तो एग्जाम्पल आज की डेट तक का था, वो जिसको देखना था आज तक के देखना था, 20 तारीख थी उसकी लास्ट डेट, ठीक है। अब छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है बस की भी। तो जो मैंने नोट्स भेजे हैं ओनली उसका रिविज़न करोगे एक दिन, ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं। जैसे कल से तुम क्या करोगे, तुम्हारा पैटर्न ये होना चाहिए, 21 तारीख को तुम करोगे, जो मैं नोट्स भेज दूंगा उसे रिवीजन करोगे, 22 तारीख को आप फुल टेस्ट सीरीज लगाओ, फुल टेस्ट लगाओगे UPSC के PYQ, परंतु आपको लगाना है, याद रखना कि 2011 से क्रम में लगाना, 11 12 ऐसे लगाते जाना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि क्योंकि 11 से लगाओगे ना तो उधर हेल्प मिलती जाती है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको क्या करना है, जैसे 21 तारीख को तो आपको मेरे नोट्स पढ़ोगे, और आपने जहाँ से पढ़ा है जो भी है आप जो भी पढ़ो, एक दिन पढ़ना है, अगले दिन टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लें, CCET का यही करोगे आप, बचे हुए 25-26 दिन जितने भी है, 13 टेस्ट है, तो 13 दिन 26, अपने पास इतने ही दिन है, और इतने में दिन में काम हो जाएगा अपना काम, ठीक है। अब 27 दिन है, तो एक दिन तो ऐसे मान के चलो 14 दिन उधर बचे हैं, 11 दिन ये बचे हैं, तो 25 दिन है, तो अपना हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम करना है, एक दिन पढ़ना है CCET के लिए, अब पढ़ के लगाना है, और PYQ करना है इसके अलावा। अब जिस भी PYQ में आप अटक रहे हो, मान लो क्वेश्चन आपने सोल्व किया, पहले चुपचाप OMR शीट लेके बैठ के करना, ऐसा नहीं है घास काट रहे हो, मैं फिर बता रहा हूँ। और मुझे पता है जिन लोगों की स्थिति खराब है उसका रीज़न क्या है, ठीक है। और चाहे वो अभी मेरे सामने चाहे कितना भी झूठ बोलते हो, मुझे हकीकत पता है, रिजल्ट भी मुझे पता क्या होगा, क्योंकि मैं जो मेरी बात को डिनाई करके साइड में अपनी मौन मर्जी कर रहे हो ना आप लोग, नहीं आएगा रिजल्ट, मैं पहले बता रहा हूँ। और मैं स्टार्टिंग से जो मैंने काम बोला, जिसने किया हो ही नहीं सकता उसका रिजल्ट नहीं आया, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अभी भी मैं बता रहा हूँ ना, 25 दिन है, गलतियाँ सुधार लो अपनी, अभी भी चीज़ें बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो पहली बात, अभी चुपचाप बस यही करना है, एक दिन CCET के लिए पहली बात, ठीक है। CCET के लिए ओनली जो मैं नोट्स भेजूंगा वो पढ़ना है, और जो आपने पढ़ा है, ठीक है, जो मान लो को शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स अब डिटेल में पढ़ने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है, अब कोई टॉपिक लेके तुम बैठ रहे हो वो काम नहीं चलेगा। और मैं इतना गारंटी बता रहा हूँ, जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसी से लगभग 25-30 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के सोल्व हो जाएंगे। जैसे मैं कल वो टेस्ट दिया था तो मेरे 108 के समथिंग नंबर है, ठीक है, और उसमें भी जो क्वेश्चन थे वो सारे मेरे जो नोट्स हैं ना उसी में से ही है, लगभग सारे क्वेश्चन बन जाएंगे उसमें से, रीजनिंग मैथ के आराम में 30 करके आए तो मेरे 25 सही थे। तो मेरा मानना है कि आराम 30 क्वेश्चन बन देंगे, कहीं नहीं जाएंगे PYQ, उल्टा 30 क्या मैं तो बता रहा हूँ 40 क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ठीक है। उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, अगर जिसने NCERT पढ़ा होगा तो फ़ायदा मिलेगा उसको, ठीक है। तो पहला काम, एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन टेस्ट दोगे, ठीक है। अब GS का आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव डे पे लेना है GS कल से। जैसे आप, जैसे 2017 हो गया ना, आप दोबारा 2011 से लगाना शुरू करो, जिसने अगर 23-22 से लगा लिया कंप्लीट, ठीक है। और कल से मैं फुल क्लास लूँगा, अब बहुत हो गया, अब कल से बैठना शुरू करो, ठीक है, 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगे जो भी है, कल से कंप्लीट क्लास होगा, मैं इस वीक में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। फिर मुझे CCET 2 पेपर करवाने हैं, और उसके बाद में ये जो नोट्स मैं भेजूंगा CCET वाले, इसका भी एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगा, ताकि CCET का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जब मैं रिवाइज करा दूँ। अभी करो खुद से भी, तो CCET का तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा डर, ठीक है। बात आती है अब उसके GS की, ठीक है। तो GS में अब क्या करना है, कल आप 2011 का पेपर लगाओगे दोबारा, ठीक है, और 2 घंटे बैठो, OMR शीट लो। अब मैं फिर बता रहा हूँ ना, अब तुम्हारे सही होने चाहिए 90 पार क्वेश्चन, सारे सारे अटैम्प्ट करने हैं 100 के 100, और पहली बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सारे के सारे अटैम्प्ट करने, अब 2011 से आप पीछे से लगाना शुरू कर दो। और मुझे पता है, ये बताओ कितने लोगों ने लगवाया है, जो मैंने बोला था कि मैं इधर से सोल्व करते आ रहा हूँ उल्टे लगाते आना, कितने लोगों ने सोल्व किया, मैं पक्का बता रहा हूँ किसी ने नहीं किया। कितने कर लिए, किए
से क्या होता है, मैंने बोला था जैसे 17 तक मैं आ चुका हूँ तो तुम लोग अभी इधर तक पहुँच चुके होते, अब उल्टा कंप्लीट हो चुका होता, ठीक है। तो अब कल से, जैसे कल तुम लगाओगे 2011 का, ठीक है, और मैं फिर 12 बता रहा हूँ, एक टेबल बनाओ, ठीक है, OMR शीट में कितने 100 के 100 क्वेश्चन करने, पहली बात तो, ठीक है, अभी कोई पेपर नहीं है, वो बाद में तुम लोग पेपर डिसाइडेड करना, पर मुझे अभी 100 चाहिए, आप 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो अभी। दूसरी बात, आप उसमें मुझे स्कोर बताओगे कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। अब जो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो मैंने जो ट्रिक बताया, वीडियो खोलो उसको देखो, वहाँ पे जाके सीसेट में भी यही काम करना है, सीसेट मान लो रीजनिंग मैथ को क्वेश्चन नहीं आ रहा, पैसेज कोई गलत हुआ है तो ये जाके देखना है दोबारा, ये चीज़ याद रखना, जाके उस वीडियो को देखो क्यों गलती हो रही है, और ये सारे एक एक वीडियो काम करो, ठीक है। तो ये GS में करना है, 2011 का कल आप लगाओगे पेपर, ठीक है, कल सीसेट पढ़ना है, सीसेट के जो नोट्स होंगे जो भी आपने पढ़ा है, और 11 का कल पेपर लगाओगे, और जैसे ही 11 का पेपर लगाओगे कल, तो कल ओनली जो 2011 का जो है, ठीक है, उसका पेपर का पूरा, जहाँ से भी आप धर्मेंद्र जाखड़ फॉलो कर रहे हो, दृष्टि फॉलो कर रहे हो, स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हो, कोई सी बुक फॉलो कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ोगे डिटेल में, ये 25 दिन यही काम कर लो, निकल जाएगा PT, ठीक है। तो ये काम करना है, उसके साइड बाई साइड, अब मुझे पता, मैंने बोला था कि 1995 से कितने लोगों ने किया, वो क्वेश्चन में बोला था पॉलिटी ऐसे सेक्शन वाइज एटलीस्ट 1995 से 2010 तक कर लो, और वो मैंने सारी फाइल भी भेज दी थी। तो अब क्या करना है, साइड बाय साइड, जैसे पॉलिटी, अब जैसे मान लो कि अपने पास 1995 से लेके 2010 तक अपने को लगाना है क्वेश्चन, तो उसमें डिवाइड कर लो, ठीक है। सीसेट मेरा मानना है कि टेंशन मतलब मत लगाओ, अगर जिसने लगाया है तो लगा लो, पर नहीं लगाना है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, सीसेट का इतना जो है उसी से हो जाएगा, सीसेट में टॉप नहीं करना है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। अब जैसे मुझे पता है ना, मैं एक बार वो रिव्यूजन कर लूँगा तो 150 नंबर भी आ जाएंगे आपके मेरे सीसेट में, पर क्या ही मतलब है, ठीक है, पर हाँ इतना कि मिनिमम करके चलो 100 नंबर आ जाए बस। तो सीसेट में अगर जिसने नहीं किया है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, जो जितना बोला उतना ही सीसेट में करो, पर हाँ GS में जिसको डर लग रहा है और थोड़ा नंबर बढ़ाने चाहते हो GS में, ठीक है, GS में कट ऑफ का भी मामला रहता है, तो भाई 100 पार 120 प्लस नंबर चाहिए, तो 1995 से आप क्या करो कि मान लो कि अपने पास 25 दिन है तो 5-5 दिन का स्लॉट बनाओ, 5 दिन में भाई जैसे 1995 से लेके 2010 तक के मुझे क्वेश्चन करने हैं, 5 दिन का नहीं, आराम से मेरे अनुसार 3 दिन में हो जाएंगे, तो 3-3 दिन का आपको स्लॉट बनाना है, 3 दिन में आपको जैसे सब उसमें सब्जेक्ट वाइज करना, जैसे मान लो कि 3 दिन में आपने 21-22-23 तारीख को पॉलिटी उठाना, 1995 से लेकर 2010 तक कंप्लीट कर लेना उसको, ठीक है। तो ऐसे 3-3 दिन का स्लॉट बनाओ, 15 दिन में कंप्लीट करके, 15 मान लो क्या आपको हिस्ट्री करना है, पॉलिटी करना है, ज्योग्राफी कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ से, इकोनॉमी कुछ ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, फालतू का पुराने करंट अफेयर का वो काट देना, बना एक बार जरूर देख लेना उनको ना, ठीक है, काट देना, वो कोई काम के नहीं है, ठीक है। इसके बाद में साइंस टेक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो बेसिक बायोलॉजी वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो देख लेना थोड़ा बहुत, बस ये 4-5 सब्जेक्ट ही है, करंट अफेयर कितना ज़्यादा नहीं, बना थोड़ा बहुत लोकेशन, ये सारी चीज़ें जो स्टेटिक टाइप से क्वेश्चन जो बन चुके हैं वो क्वेश्चन देख लेना। तो ये मान के चलो 18 दिन का ये काम है, ठीक है, 18 दिन भी नहीं लगेंगे, मेरा माना 15 दिन में ही इसको निपटना है आपको। तो ऐसे काम करो कि लगभग लगभग अपना 10 तारीख तक अपना सारा ये चीज़ आराम से अच्छे से कंट्रोल में आ जाए। ओनली अब मैं फिर बारह बता रहा हूँ, PYQ ही करो, इसके अलावा जो आपने पढ़ा है हल्का हल्का, वो जो एक आध बार आपको देखना है जहाँ से आप पढ़े हो, मान लो किसी ने NCERT पढ़ा है, जिसने किसी ने नोट्स पढ़े हैं, तो वो करो, और यही करना है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है इसमें। और मैं फिर बता रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अभी आ रही है, चाहे मैं भी इधर उधर भेजते रहता हूँ, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, मैं पहले बता रहा हूँ, करना वही चीज़ है जो आपने पहले पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ो। जैसे मान लो ज्योग्राफी का NCERT मस्ट है, मैं फिर बारह बता रहा हूँ, पढ़ना है, अगर नहीं भी पढ़े हो तो अब मत तो पढ़ने का प्रयास करना मत, फिर तो अब तो वो समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि 3 बार तो एटलीस्ट पढ़ना ही चाहिए उसको। जिसने पढ़ा है वो ज्योग्राफी के लिए NCERT पढ़े, इकोनॉमी के लिए मान लो जिसने अगर NCERT पढ़ी है तो कोई नहीं, इकोनॉमी NCERT पढ़ के जाए, ठीक है, और मान लो हिस्ट्री के लिए जिसने NCERT पढ़ा है तो NCERT पढ़ के जाए। मैं फिर बताऊँ, जो पढ़ा है उसी पर रिलाई रहो और आगे बढ़ो, उससे हो जाएंगे क्वेश्चन, घबराना नहीं। फिर उसके बाद में अपनी ट्रिक है, मेरा इतना मानना है कि आराम से आप लोग अगर नॉलेज बेस में, फिर गारंटी बता रहा हूँ, ध्यान से समझ चीज़ को, अगर 30 में से आप लोगों ने नॉलेज बेस में अपने जो तैयारी किया साल भर आपने पढ़ा है, नॉलेज बेस में अगर 20 या 25 क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए काट पीट के, मान लो 30 क्वेश्चन आपने 100% श्योरिटी से किए, अगर उसमें काट पीट के 20 भी सही हो गए, तो मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, आपको कट ऑफ निकल जाएगा, चाहे कितना, चाहे 80 नंबर नंबर जाए, कितना भी जाए, क्योंकि आराम से फिर 70 में अगर आप ट्रिक लगाओगे ना, 70 में अगर मान लो 10 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे, 60 में अगर आप ट्रिक भी लगाओगे ना, काट पीट के अगर उधर मान लो कि 30 क्वेश्चन भी बैठ गए, 30-60 नंबर ही हो गए, 40 नंबर हो गए, तो 100 नंबर पहुंच जाओगे। तो इतना तैयारी कर लो एटलीस्ट कि आराम से अपना तुम्हारे 30 में से वो 30 क्वेश्चन तुम अटैम्प्ट करने लायक हो जाओ,
और फिर काट पीट के अपना मान लो 70 अटेम्प्ट के, काट पीट के 30-25 भी उधर सही हो गए ना, तब भी बेड़ा पार हो जाएगी। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ने की मत सोचो। अब जिसने मान लो कि करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन मत लो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, करंट अफेयर ऐसी चीज़ है वो पढ़ने वालों से भी नहीं बनता, और बनेगा तो अपनी ट्रिक से भी बन जाएगा। मैं फिर बारह बता रहा हूँ, मैं खुद भी नहीं पढ़ा हूँ इतना, कोई साल भर मैंने कुछ किया नहीं। अब की बार मुझे पता, देखो आएंगे क्वेश्चन, वो चलो ठीक है, कुछ लोग पढ़ के जाएंगे बड़े 360, फिर मैं बता रहा हूँ वो अपने से एक दो क्वेश्चन ही प्लस में होंगे, और वो ऐसा नहीं है कि वो अपने से, मान लो कि अपन 20 क्वेश्चन करंट अफेयर क्या है, अपन दो ही क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, वो लोग 20 क्वेश्चन कर लेंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। ऐसा भी नहीं होगा कि, मैं फिर बता रहा हूँ अपना ट्रिक से, अगर मान लो 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं ना, तो ट्रिक से आराम से मैं फिर बता रहा हूँ 13-14 क्वेश्चन कहीं नहीं जाए। मान लो काट पीट के अपने मान लो 10 क्वेश्चन भी सही हो गए, तो क्या ही दिक्कत है, क्या ही टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपने ये मत सोचना कि हमने PT 365 नहीं पढ़ा, मैगजीन नहीं पढ़ा, साल भर क्या है, कोई मायने नहीं रखता है। अभी बस एक चीज़ मैं फिर बार बता रहा हूँ, PYQ को करो बार बार, ये चीज़ अच्छे से करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, अब अपना ज़्यादा वो मत नॉलेज कि हाँ नई चीज़ पढ़ लो, मार्केट में ये आया है, ये वो है, PT 365 नहीं पढ़ा है, करंट अफेयर को फालतू वीडियो देख रहे हो। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैंने पिन पॉइंट काम बोला वही करना, ऐसा नहीं कि इधर उधर कुछ कर रहे हो, अपने मन मर्जी से कोई वीडियो देख रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। रही जैसे मैं सोच रहा हूँ कि इस वीक में कंप्लीट कर दूंगा मैं ये, ठीक है, और अगले वीक तक अपना CCET वो सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद में जो ट्रिक वाली वीडियो है, मैं उसके बाद में आधे एक घंटे बैठेंगे शाम को, तो बस ट्रिक ही बताऊंगा उसमें, और कुछ ही नहीं, अलग से कोई नई चीज़ नहीं। हाँ कुछ कुछ चीज़ें अगर मान लो मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है बतानी है तो मैं बता दूंगा, पर हाँ मैं ट्रिक का रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि उससे मेरा रिविजन हो जाएगा। ये CCET वाले जो मान लो नोट्स दूंगा उसका मैं एक बार करवा दूंगा। तो इतना ही है, देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, मेरा इतना ही कंट्रीब्यूशन है, पर मुझे पता है कि ये एग्ज़ाम निकालने के लिए चाहे मिनिमम है परंतु हो जाएगा इससे, पर जिसने भी अप्लाई कर लिया, और मान लो अपने अनुसार तुम लोग किए जा रहे हो तो फिर नहीं होगा, अपने मन मर्जी चलाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ, 25 दिन में जो मैंने काम बोला, डेली आप एक GS का लगाओगे, एक CCET का लगाओगे, और 10 तारीख के बाद में आपको मान लो कि 15 तारीख को तो नहीं पढ़ना है, मौज मस्ती करना उस दिन, 4 दिन जो बचेंगे ना, तो उसमें GS CCET मतलब 4 दिन बचेंगे, तो 2020, 2021, 2022, 2023 वो साथ में लगाने हैं, मतलब एग्ज़ाम के टाइम में 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30, तो उस अकॉर्डिंग लगाना आपको, आखिरी 4 दिन वो ज़रूर करना वो काम, और PYQ ही लगाने में फिर बारह बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और रही एग्ज़ाम का, मान लो कि जो CCET का, मैं फिर बता रहा हूँ, CCET का उस टाइम जो भी टाइम बचेगा उसमें खाना पीना अच्छे से, और जो नोट्स जो मैंने दिया है उसको रिवाइज कर लो 5-10 बार, ये काम कर जाएगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट लगेगा वो एग्ज़ाम में। तो CCET का मेरा माना कि इतना हो जाएगा CCET उससे, पर GS का जिसको भी डर लग रहा है PYQ करो, और R&D पढ़ो, कोई सी बुक से पढ़ो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, काम शुरू करते हैं, गेट बंद करो, आवाज़ आ रही है। फिर बता रहा हूँ, जिस जो आप करोगे 2011 से, तो मतलब लगभग मेरा मानना है कि 85 से नीचे तो क्वेश्चन गलत, मतलब सही होने चाहिए, 85 से नीचे नहीं जाने चाहिए, इसका मतलब फिर तो कुछ ना कुछ कबाड़ा कर रहे हो तुम लोग, अगर उसके खराब स्थिति है उससे भी, तो ये चीज़ याद रखना, इतने तो होने चाहिए सही। कितनी बार पेपर करवा चुका हूँ, फिर इसका मतलब आपने किया नहीं, इसका मतलब फिर ये चीज़ याद रख लेना। अब देखो ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, अब देखो UPSC पोर्ट का क्वेश्चन कितनी बार पूछा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, बहुत बार पूछा UPSC ने क्वेश्चन पोर्ट का, तो पोर्ट इसीलिए ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर थीम में दिखे ये सबका 2023 में था, देखते ही मार दो, ये UPSC का फेवरेट है, ये चीज़ याद रख लेना पोर्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना,
निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है काकताई राज्यों में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहली बात तो ये पता होना चाहिए काकताई कहाँ पे था, बताओ रमेश। मतलब कि वेस्टर्न साइड था, मतलब कि जो केरल और कर्नाटक वाले एरिया है इधर था। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कभी भी एक चीज याद रखना, बहुत बार यूपीएससी ऐसा फंसाने का प्रयास करती है, जैसे ये देखो काकीनाडा आप लगाओगे अगर यही होगा, नहीं, आप देखो ये है कर्नाटक में है, ठीक है, अरे काकीनाडा गुजरात में है, ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। मोटुपल्ली है जो आंध्र प्रदेश में है, ये काकते उधर नहीं है कर्नाटक में। ये मोटुपल्ली काकते राज्य कहाँ पे है? इस साइड ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये वाला पोर्शन कर्नाटक महाराष्ट्र और केरल और थोड़ा आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। हाँ तो आंध्र प्रदेश का नहीं, फिर आंध्र प्रदेश का अगर ये आ रहा है अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन, आंसर इसका ये है, अरे आंध्र प्रदेश में मोटुपल्ली। मोटुपल्ली आंध्र प्रदेश का है। हाँ मछलीपट्टनम भी वहीं का है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो पहली बात देखो यहाँ से अपने को, आप देखो ये याद रखना, अगले आगे जाके वो यही यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे आपकी बार पूछ लिया था पुहार वार कोट वो पूछा था यूपीएससी, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता ही रहता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो काकतीय राज्य में है तो इसका ये मोटुपल्ली आंसर है, पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में है। पर आप देखो इतना पीवाईक्यू पे रिसर्च कर लो, ये कहाँ पे यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन उठाता है, और जो मैंने मैप भेजे थे वो मैप और हिस्ट्री वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काकीनाडा गुजरात में है, अरे मछलीपट्टनम भी आंध्र प्रदेश में ही है, अरे नेल्लूरू कर्नाटक में है, याद रखना ये चीज़। तो यहाँ से बस इतना समझना है कि जितने भी पोर्ट थे एंशियंट काल में मिडिवल काल में वो सारे मैप में आपके पास होने चाहिए, अरे लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ज़रूर रखो। ज्योग्राफी के मैप और जितने भी एनसीईआरटी में ज्योग्राफी मैप दिए मैंने दोनों पीडीएफ भेजा है आप लोगों को, और दूसरे हिस्ट्री के पीडीएफ, ये चीज़ याद रखना, इनके मैप ज़रूर कम से कम 5 क्वेश्चन तो मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ वहाँ से आएंगे, और आते हैं आएंगे क्या, हर साल आते हैं। ठीक है, अब देखो वन तीन स्टेटमेंट है, ध्यान समझना। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित खत्म पे कौन सा सही? अब देखो कोई ना कोई पॉजिटिव काम ही कर रहे होंगे, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम ही होगा। अब देखो ध्यान समझना, यूरोपीय संघ की पहल है, अब देखो ऐसा कुछ होगा तो यू का कुछ नाम होता है, ये तो लग ही रहा है कि भाई तो अपने को पता है कि मोस्टली जो है, ठीक है, यूरोपीय जो संघ होता है, अब देखो ये चीज़ याद रखना, जैसे ना यूपीएससी जैसे थीम होता है अशोका हो गया और ईयू हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन मोस्टली ऐसे संस्था देख के काटेंगे नहीं, ईयू को तो खास तौर से जैसे फेवरेट फेवरेट कुछ चीज़ें होती है ना उसको देख के काटना नहीं। चलो ठीक है, अभी से अभी देखो ध्यान से ना, अब देखो मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान समझना, मैंने क्या बोला था, देखो दो फैक्ट क्वेश्चन होंगे, देखो दो फैक्ट है ये रहे, तो दो फैक्ट में से अपना एक सही होता है, और मैंने कितनी बार बोला जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो उसका उद्देश्य जरूर दिया होगा, तो ये उद्देश्य है उसका, यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीति और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, और मैंने बोला हमेशा वो यूपीएससी सिखाने का प्रयास करता है, एक उसके बारे में ज़रूर बताएगा। ठीक है, तो ये तीनों तीनों तो सही होंगे नहीं ऐसे भी। ठीक है, अब देखो दो फैक्ट है तो दो फैक्ट में से एक सही होगा, तो दो ऑप्शन सही है। अब देखो ये क्यों गलत, ये सही है यूरोपीय संघ क्योंकि अपने पता है यू जो यूरोप का यूपीएससी फेवरेट है उसका ज़्यादा वो देता नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो इसका समन्वय विश्व संसाधन स्थान WRI और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया गया संस्था, ये गलत होती है, अपने को ये काटना है, ये कटेगा इसमें, और यूरोपियन यूनियन यूपीएससी का फेवरेट है, याद रखना ये गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। ठीक है, ऐसे भी नहीं तो अगर दूसरा लॉजिक जो अपन ने पकड़ा था, ध्यान समझना, दो फैक्ट है तो दो फैक्ट मैंने क्या बोला, एक सही होता है, एक अपना इसका उद्देश्य दिया है, अरे जनरल स्टेटमेंट है तो ये सही होगा, सोचना भी नहीं, नए पैटर्न में यही फायदा है। अब आगे देखो, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन से सही है। अब देखो स्वतांत्रिक और सम्मिति जैन मत के संप्रदाय, याद रखना, देखो ध्यान समझना, अब देखो रिप्लेसेबल, आप देखो ये फैक्ट है, अब यहाँ पे जैन मत की जगह आराम से वो रिप्लेस कर सकता है बौद्ध मत की जगह, मतलब क्या ये बौद्ध मत होगा जैन मत का कर दिया होगा। ठीक है, ये बहुत ईजी चांसेस रहते हैं इसके रिप्लेस करने के, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे अपन इसको डाउट में रखेंगे, ध्यान से अगला पढ़ो। सर्वस्तवादियों की मान्यता थी कि दर्क विषय फिनोमिना के अव्यय पूर्णता क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ठीक है, अब ये लॉजिकल है, अगर आप इस स्टेटमेंट को समझोगे तो ये यही बात करता है। ठीक है,
दूसरी बात देखो ना, अगर पूर्णतः अभी एक्सट्रीम वर्ड ने यहाँ नहीं लगा दिया तो ये थोड़ा नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया है, ठीक है। अब मैंने कितनी बार बोला, जब भी इस टाइप एक फैक्ट रहे और दूसरा एक जनरल स्टेटमेंट रहे तो फैक्ट गलत होता है और जनरल स्टेटमेंट सही होता है। अरे बात सही है, याद रखना ये बौद्ध मत के संप्रदाय ना कि जैन मत के, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये स्वतंत्रांतिक और ये सम्मित याद रखना बौद्ध मत के हैं, और ये क्वेश्चन आगे भी बना है, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये चीज़ याद रखना, जब सिंगल फैक्ट ऐसा फैक्ट दिया हो और एक दूसरा जनरल स्टेटमेंट दिया हो तो वो सही होने होगा। अब देखो ये आपकी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा भूमध्य सागर के उसके आसपास, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। भूमध्य सागर निम्नलिखित किन देशों से सीमा है? अब देखो ध्यान समझना, मैंने कितनी बार बोला था आपको, जॉर्डन जो है लैंडलॉक कंट्री है। जब लैंडलॉक कंट्री है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो चारों चारों तो ऐसे भी नहीं होते, ठीक है। अब ध्यान से समझना, लेबनान और सीरिया इन दोनों की लगती है बॉर्डर, याद रखना भूमध्य सागर से। इराक तो ऐसे भी इधर है, इराक की नहीं लगती है, ठीक है। और मैं ना 2023 से कल मैंने एनालाइज कर लिया उस पेपर को, एक और काम बचा वो मैं करता हूँ। मैंने देखा ना जो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है चार स्टेटमेंट वाले, उसमें दो आंसर सही हो रहे हैं, ये चीज़ ऑब्जर्व करना। जैसे मनी मार्केट वाला आया था और ऐसे 2021 में भी आया था, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ऐसे पता होना चाहिए, जॉर्डन तो ऐसे भी नहीं है। अरे मैप, वर्ल्ड मैप का आइडिया एटलीस्ट UPSC के PYQ का तो ज़रूर आइडिया रखना। मैं बता रहा हूँ ना, अगर 5 मैप के क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपके पास इन जो PYQ में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी आपने मैप में जाके देख लिया, इसलिए फिर मैं बार बता रहा हूँ PYQ करो। ज़्यादा देश दुनिया में क्या चल रहा है छोड़ो, अभी एटलीस्ट PYQ से ही कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, लेबनान और सीरिया भूमध्य सागर से है, जॉर्डन लैंडलॉक कंट्री, ये भी चीज़ याद रखना, और इराक नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय है तो नेशनल लेवल की होगी, निवेश है और अवसंरचना निधि याद रखना है, ध्यान से समझना। जब से नीति आयोग बना इसका फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला राइट था इसे छीन लिया गया, पहले योजना आयोग के पास था, तो ये ऐसे गलत है, ये नीति आयोग का अंग है, ये संस्था गलत होती है ऐसे भी। वर्तमान है, ये याद करो मैंने बोला था इस टाइप का जो फंड है, सोचो नहीं यही क्यों हो सकता है, 5,000 करोड़ हो, 2,000 करोड़ हो, डाटा तो गलत होता ही है, दोनों गलत है, ये चीज़ याद रखना। ये संस्था है इसलिए गलत है, और यहाँ पे इतना अगर फिर भी अगर मान लो नीति आयोग थोड़ा डाउट लगे, नीति आयोग कभी फंड एलोकेशन का काम नहीं करता है, ये चीज़ याद रखना। पहले योजना आयोग करता था, योजना आयोग की जगह नीति आयोग है, नीति आयोग से सारी पावर छीन के आजकल फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है, तो ये चीज़ याद रखना, नीति आयोग फंड का काम नहीं करता है, ठीक है। अब आगे देखो, सार्वभौम है मतलब यूनिवर्सल होगी, ध्यान से समझना। तो ये एशिया क्या कर रहा है यहाँ पे, काट दो, ठीक है। अवसंरचना सुविधा है ग्लोबल, ये चीज़ याद रखना, तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब देखो ये भी कट जाएगा, OECD के स्पेसिफिक देशों के लिए ही है, अंगटाट जो है ये भी शायद व्यापार उन देशों के लिए है, ठीक है। यहाँ देखो, अब देखो आप थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, फैसिलिटी का, ये वर्ल्ड बैंक ही काम करता, कहाँ लिखा है वर्ल्ड बैंक, यही आंसर आएगा। गैर सरकारी क्षेत्र और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारों की तैयारी और संरचना निर्माण को सुकूर बनाता है। और याद करना PPP मॉडल है ना, UPSC मेंस का सिलेबस है, तो ये जरूर आंसर बनेगा, याद रखना ये चीज़। और मैं फिर बता रहा हूँ, अरे हाँ कुछ कुछ चीज़ें उसमें मैं फिर बता रहा हूँ, मेंस का सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए। अरे अभी थोड़ा बहुत अगर ये काम कर सकते हो तो कर लेना, 2013 से लेके 2023 तक जितने मेंस के पेपर आए हैं GS 1, 2, 3 उनके क्वेश्चन जरूर देख लेना, 4-5 क्वेश्चनों की हेल्प मिल जाएगी वहाँ से। साइंस टेक तो खास तौर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं वहाँ से, ठीक है। तो एक ये लॉजिक लग रहा था इसमें, क्योंकि ग्लोबल है तो ये चीज़ रखना। और एक ट्रिक है शायद मैं बताऊंगा, अभी ट्रिक जब बताऊंगा, तो ग्लोबल जब आता है तो मोस्टली जो है वर्ल्ड बैंक रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, चलो ठीक है। दूसरे मैं चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान समझना। एक तो ग्लोबल हो गया, अवसंरचना, ठीक है। अब देखो इसमें अपने को अवसंरचना के बारे में भी बात कर रहा है, और वर्ल्ड बैंक भी है, क्योंकि ग्लोबल के लिए वर्ल्ड बैंक भी है और अवसंरचना की भी बात कर रहा है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, दूसरी बात पॉजिटिव काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है ये, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसलिए आंसर ये आएगा। दूसरी बात ये OECD नहीं होगी, ये तो इसलिए भी नहीं होगा, ग्लोबल हो गया नहीं, ठीक है। ये मतलब नहीं है, OECD तो ऐसे कुछ देसी कंट्रीज के वो मेंबर है। अब देखो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन,
लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। अब देखो थोड़ा बहुत आना प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, कौन कहाँ से, जैसे अब राहुल गांधी सोचो केरल से भी लड़ लिया, अब यहाँ से भी लड़ रहा है, तो कोई कहीं से भी लड़ सकता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है, अब भी ध्यान समझना, लोकसभा निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र आपको भरना, जैसे मान लो राहुल गांधी ने भरा था, बस अब ध्यान समझना, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, याद रखो, अब ध्यान से समझना। पहली बात तो लोकसभा में अप्लाई करने के लिए 25 साल होनी चाहिए, ये चीज़ समझना, 25 साल इज़ मिनिमम क्राइटेरिया। दूसरा काम है इसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, ये दोनों नेसेसरी कंडीशन है, याद रखना। आप बोल दिया भारत में निवास करने वाले, निवास तो सब करते हैं, छोटा बच्चा 1 साल का भी करता है, काटो एक्सट्रीम वर्ड, किसी भी व्यक्ति द्वारा, एक्सट्रीम वर्ड हो गया, ठीक है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। अच्छा फिर राहुल गांधी तो कहाँ से कहाँ, सोचो वो केरल भी लड़ रहा है, इधर भी लड़ रहा है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया, ठीक है आगे सोचो। भारत के किसी नागरिक द्वारा, हाँ सिटीजन होना चाहिए, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो, हाँ, और दाखिल किया जा सकता। अब देखो यहाँ सकता है, पॉसिबिलिटी बोल दी है, चांसेज है, अब ये 25 साल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, परंतु बोल दिया। देखो पहली बात तो वोटर लिस्ट में आने के लिए 18 साल चाहिए, तो वो क्राइटेरिया तो उसने फुलफिल कर लिया, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं कि मान लो, चलो अभी कंफ्यूजन है, ये पढ़ लेते हैं, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जाता है, ये वही सेम चीज़ पहला वाला ही बात कर रहा है, तो ये चीज़ याद। हाँ यहाँ तो भारत में निवास करने वाला, निवास करने वाला तो विदेशी व्यक्ति भी हो सकता है, ये ऐसे कट जाएगा, तो ये ऐसे कट गया आंसर अपना। अब ये भी देखो परफेक्टली सही नहीं है, परंतु अपने देखो UPSC का अगर आप पढ़ोगे ना, उसका अगर पहला पेज में लिखा रहता है, आपको ये चूज करना दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बेटर कौन सा है, अगर इसको क्लेम किया जा सकता है, ये भी नहीं है 100% ये तो सही, ठीक है। अब देखो अब की बार है ना, मेरे जो क्वेश्चन सही हुए थे, जैसे मैंने वो झेलम वाला नदी वाला क्वेश्चन आया था, तो मैंने उस क्वेश्चन को देखो मैं बताऊँ, जब 2023 वाला पेपर करवाया था, तो जो भी सब अलग अलग लॉजिक लगाए थे, मैंने ये सोचा था 3 फैक्ट है 1 सही होगा, चाइना वाले में मैं यही करके आया था, मेरे दोनों के दोनों क्वेश्चन सही हुए हैं, वो ये चीज़ याद रखना। अब देखो यहाँ पे भी यही है, 3 फैक्ट है, 3 फैक्ट है तो 1 सही होगा, सोचना ही नहीं है, याद रखना ये चीज़। और मैंने इसी लॉजिक से किए थे, कुछ गलत भी है कुछ सही भी हुए, अब वो चीज़ याद रखना, क्योंकि आपके UPSC ने तीनों गलत भी दिए थे, तो वो वाली बात एक अलग है, पर कुछ क्वेश्चनों में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब देखो भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, क्या बात कर रहे हो, याद रखना नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद भी था जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, उसके बाद सिक्किम है अपना, ठीक है। तो याद रखना जम्मू कश्मीर हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, 7+1 सिक्किम को जोड़ के, तो ये कितने हो गए, 12 हो गया, तो 12 है, याद रखना। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला, गलत, 6 राज्यों में फैला, ध्यान समझना कहाँ कहाँ पे, गुजरात से शुरू होता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है, कर्नाटक आ गया, तमिलनाडु आ गया, केरल आ गया, तो 6 राज्य हैं, याद रखना ये चीज़, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ, पश्चिमी घाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन आया इससे, देखो पुलिकट झील आपके 2023 में आया, इसीलिए मैं बोलता हूँ R&D कर लो इन क्वेश्चनों पे। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, एकदम सही बात है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर पे है, याद रखना। इसरो का जो रॉकेट लॉन्चर है इसी के पास में ही है, श्रीहरिकोटा इसके जस्ट पास में ही है वो, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसीलिए स्टेटमेंट सही है, अरे पता होना चाहिए। अब देखो जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मानदंड है, अब देखो कुछ नहीं सोचना, पहली बात तो यहाँ पे जैव है, तो अजैव तो अपन ढूंढेंगे नहीं पहली बात, ठीक है। ऑक्सीजन मांग, ठीक है, ऑक्सीजन मांग किसके लिए होगी, ध्यान देखते हैं, रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। वन पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन स्तर के अभिकलन के लिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के आमापन के लिए, उच्च तंगता वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन स्तर का आकलन के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, आंसर जैसे पता ही है, BOD COD तो लगता ही है अपना, जो ये जलकुंभी उगती है पता है उसी के लिए है ये कॉन्सेप्ट, यूट्रोफिकेशन ये जो है पूरा ऊपर से वाला एरिया कवर कर लेते हैं, तो ना तो सन जा पाता है ना कुछ जा पाता, तो नीचे वाले जो मछली होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ने लग जाती है, तो उसी के लिए जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, इसे पकड़ा जा सकता था इसमें, देखो ध्यान से रखना, मापदंड मापने का काम कहाँ पे लिखा है, आमापन, आंसर यही है, ठीक है।
दूसरी बात यहाँ से पकड़ सकते थे पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र में आंसर इन दोनों में से आएगा, दोनों ऑप्शन कर जाएंगे। अब बोला वन पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन स्तर, मुझे बताओ वनों में तो ऑक्सीजन का ऐसे भंडार रहेगा, क्या बात करें। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना इसको, इसको इसमें लेवल इन ब्लड, लेवल इन ब्लड, लेवल इन एक्वाटिक सिस्टम, इंग्लिश में देखना पड़ेगा ना उसके लिए। इधर देखो ये लेवल इन ब्लड का अर्थ करा, लेवल इन फॉरेस्ट बात करा, लेवल इन हाई एल्टीट्यूड, तो ये हो जाएगा इवन वाला, ये ओड हो गया था, ओड वाला आंसर होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये सेम क्वेश्चन 2021 में आया है। बेहतर नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास यूएन हैबिटेट की भूमिका संदर्भ में तो पॉजिटिव थीम है। अब ध्यान से समझना, देखो कितनी बार मैं बोला हूँ इस टाइप के क्वेश्चनों में ज़्यादा सोचना ही नहीं है, दो मारो, ध्यान देखना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावास को आज्ञापित किया गया। अब भाई ये जब यहाँ दिया है तो ये सब, अब इसको गलत मत करने लग जाना, संस्था दिए तो गलत हो जाएगा भाई, वो क्वेश्चन में दिया है और यही लॉजिक है ना 2023 वाले पेपर में भी लगा, तो इतना ज़्यादा अंधापन भी नहीं अपनाना है कि ट्रिक, हाँ संस्था दिए तो काट दो, ये पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी कि वह उस सामाजिक व पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय ऐसे कस्बों और शहरों को संबंधित करे जो सभी को पर्यावरण आश्रय प्रदान। अब ध्यान देखना, यहाँ सभी देखे काट मत देना, यहाँ सभी पॉजिटिव भाई, सबके लिए होना चाहिए ना, अच्छा घर सबके लिए, इन्वायरमेंट सबके मिले, सबको होना चाहिए, ऐसा चलिए। पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन से मान लो नुकसान हो रहा है और उससे गवर्नमेंट कुछ फ़ायदा पहुँचाने के लिए कुछ, मान लो टेक्नोलॉजी अपना, नहीं कुछ लोगों को नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, मतलब ये लॉजिक याद रखना, ये पॉजिटिव है तो ये चीज़ 100% सही होगी। अब आगे देखो, ठीक है, अगला देखो संयुक्त राष्ट्र पर्यावास। अब देखो मैंने बोला था दो क्वेश्चन हमेशा ऐसे सेम दिया रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित पेयजल व आधारभूत स्वच्छता तक पहुंच बढ़ाने और गरीबी को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समग्र उद्देश्य में योगदान करता, उद्देश्य हमेशा सही होता है पॉजिटिव। अब ये दो सही हो गए, दोनों सिमिलर बात करें तो संपूरक है, ये चीज़ याद रखना, पूरक स्टेटमेंट है दोनों के दोनों, मतलब ये होगा तो ये जरूर होगा, ये चीज़ याद रख लेना। अब अगला देखो, इसके साझेदार सिर्फ, अब ये देखो ये एक्सट्रीम वर्ड है, सिर्फ सरकारी स्थानीय नगरीय प्राधिकरण ही है। अच्छा, कभी भी एक चीज़ याद रखना, यूएन जैसा कोई प्रोग्राम चल रहा हो तो जनता का भाई सबाई से ज़्यादा पार्टिसिपेशन जरूर होगा, ये गलत बात है, इसलिए दो स्टेटमेंट सही होंगे, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन राष्ट्रीय लेवल पे है, पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कौशल योग्यता, आपका स्किल जो है उसका क्या है, इसको बोला है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन है, ध्यान समझना। फ्रेमवर्क है तो कुछ ढांचा होता है, फ्रेमवर्क का मतलब निम्न खत्म में से कौन सा एक सही है। NSQF के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल, अब देखो औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। अच्छा तो याद रखना, मैंने कितनी बार बोला जब भी इस टाइप आए तो औपचारिक बोला, तो अब देखो इंग्लिश में पढ़ो इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे बोला कि इसका फॉर्मल, तो याद रखना हमेशा इनफॉर्मल भी एजुकेशन होता है, ठीक है, तो बस ये कट जाएगा। अब जब मैंने बोला जब ये कटा दूसरा मोस्टली सही देता है, देखते हैं। NSFA क्योंकि क्रियान का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण है, एकदम सही बात है। अब देखो ध्यान देखना, एक और चीज़ ये पॉजिटिव भी है, दूसरा देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ पे बोला व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा, सामान्य शिक्षा की यहाँ पे बात कर रहा है औपचारिक की, तो ये गलत हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो ये चीज़ याद रखना, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन भी है एक दूसरे से, इसलिए भी अपने को पता है एक ही आएगा, और ये ज़्यादा पॉजिटिव तो अपन इसके साथ जाएंगे, ठीक है, तो याद रखना ये चीज़। ये क्वेश्चन देखो 2022 में भी आया, हर साल रिपीट, और अब की बार रिपीट होने के चांसेस रहेंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। डीआरके वाला क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में पहली बात तो ये चीज़ याद रख लेना, देश शासन के सिद्धांत किससे निर्दिष्ट करता है। अब देश शासन 1919 का एक्ट याद कर लो, जिसमें प्रांतीय विषयों को दो सब्जेक्टों में बांट दिया गया था, अस्तांतिक, ट्रांसिबल, नॉन ट्रांसिबल। और इसी पे जस्ट यूपीएससी 2022 में सेम क्वेश्चन पूछा था, देश शासन आ जाओ स्टेटिक पार्ट, डी आंसर। प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रयोगों में विभाजित करना, याद रखना ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। जो नॉन ट्रांसफरेबल थे वो याद रखना गवर्नर के अधीन थे, गवर्नर अपने अकॉर्डिंग शासन चलाता था, और ट्रांसफरेबल जो मान लो कि जनता के प्रतिनिधि चुन के भेजे गए थे वो चलाते थे, ठीक है।
केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन आ रही है, क्या बात करें, वो तो अभी भी है। दो सरकार अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों को शुरू किया जाना, क्या बात करें, दो शासन समझे, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में होना, ठीक है, याद रखना इसको। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे दिया है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन डीआरके सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है, तो इसमें इंग्लिश में देखिए, डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेशन इनटू टू हाउसेस, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविजंस इनटू टू क्राइटेरियाज। तो डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट, डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेशन, सेंट्रल दोनों में से आंसर होगा। ये तो, काट सकते हैं, दो कट गया, ये तो अभी भी भारत में है, तो इसका द्वैत शासन से कोई संबंध है नहीं, तो बचा यही, ठीक है, आगे देखो। है ना, ये चीज़ याद रखना ना, इंग्लिश में बहुत इजीली दिख जाता है सिमिलर। आगे देखो, नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में ध्यान से समझना ये चीज़ है ना। अब देखो, नेशनल करियर सर्विसेज कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रम है, ठीक है। तो पहली बात मैं कितना बोला विभाग दिया, और डिपार्टमेंट जो है मोस्टली और संस्था जो गलत होती है। अरे दूसरी बात मैंने क्या बोला, जब एक फैक्ट तो दूसरा, देखो दूसरा देखते हैं, नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया। अच्छा, फिर क्या, जो शिक्षित होंगे वो बेरोजगार होकर घूमते फिरेंगे? मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, ये लॉजिक पकड़ा करो हमेशा, तो आप खुद ही सोचो ना, मतलब अशिक्षितों के लिए बनाया जा रहा है तो फिर शिक्षित क्या करेंगे? अरे आज के ज़माने में कहाँ भाई, कि छोटी सी पोस्ट के लिए भी, पहली बात तो आजकल तो गवर्नमेंट तो आरटी पास ही खत्म कर दिया, पहले रेलवे में आरटी पास तो लगते थे, अब आरटी पास ही खत्म कर दिया। तो उस ज़माने में सोचो, उधर 15-16 के दौर की बात है, उसमें कैसे करेंगे? दोनों स्टेटमेंट गलत है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात याद रखना, 2015 में शुरू किया गया था ये, ठीक है, और श्रम एवं मंत्रालय रोजगार के तहत था ये, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। अब आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है ना, इंग्लिश में पढ़ो, बहुत ईजिली हो जाएगा। अरे कुछ क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, इंग्लिश में जरूर देख लेना, जहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो, नहीं हो रहा हो क्वेश्चन, इंग्लिश में हो जाएगा, ऐसे हिंदी में हो जाएगा क्वेश्चन। चलो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म स्कीम ऑफ सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग एंड स्टेट एसेट। बस अब ध्यान से समझना, देखो ये कहाँ पे दिया है, स्ट्रक्चर, ठीक है, बी कॉर्पोरेट एंटिटी फेसिंग डिफिकल्टी, ठीक है, तो यही है आंसर इसका, ठीक है। चलो छोड़ो इधर, देखिए हिंदी में उल्टा ज़्यादा अच्छा दिखेगा इसका। इनमें कहते हैं, कौन सा हाल ही में समाचारों में आया दबाव युक्त परिसंपत्ति, अरे इतना सा ही पढ़ लोगे ना तभी आंसर मार दोगे, आरबीआई, सोचना ही नहीं है, एनपीए की बात कर रहा है, सोचना ही नहीं है। चलो ठीक है, धारणीय संरचन पद्धति स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट एसेट परिसंपत्ति, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये दो वर्ड पकड़ो, स्ट्रक्चरिंग और स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब तनाव युक्त, ठीक है, यहाँ पे बोला भी होगा, ठीक है, दबाव युक्त बोला है। यह सरकार द्वारा निरूपित विकास परक योजनाओं की पारिस्थितिक कीमतों पर विचार करने की पद्धति है, क्या बात कर रहे हैं, ये वास्तविक कठिनाइयों का सामना करी। अब देखो यहाँ पे ध्यान, दबाव युक्त मतलब चैलेंज होगा, सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचन के लिए, स्ट्रक्चरिंग का मतलब यही होता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है, एकदम सही बात है, ये चीज़ याद रखना, यही इसी से आंसर पकड़ना था। यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है, ये सरकार द्वारा हाल ही में इस टाइप के वर्ड, ठीक, तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे ये वर्ड पकड़ना, ये टाइप, इस टाइप के वर्ड तो कभी, देखो ये जस्ट यहाँ पे मिल रहा था और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा कहीं नहीं है, ठीक है, आंसर उससे भी आ रहा था फट से, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, अलग जलवायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु जलवायु स्वच्छ वायु गठबंधन G20 समूह के देशों के एक अनोखी पहल है, काटो, और ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो G20 जलवायु प्रदूषकों की बात कर रहा है यहाँ पे, G20 मोस्टली इकोनॉमिक संस्था है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, संस्था दी हो तो गलत है, CCAC मैथेन, यार ना इस टाइप के मल्टीपल फैक्ट वो कभी गलत नहीं होते, अरे ये बात सही है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब मैं फिर बता रहा हूँ ना, थीम को माइंड में रखो, जैसे 2021 में ना थोड़ा बहुत इतना पता होता ना, देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, आएंगे क्वेश्चन यहीं से, 2011 से लेके क्वेश्चन इन द सेंस जो ट्रिक लग रही है ना इन्हीं से लगेगी, 2023 तक के क्वेश्चन रटे हुए होने चाहिए। जैसे ना अगर आप 2021 का क्वेश्चन सोल्व कर पाते पहली बार, अगर ये पता होता कि थीम गलत होती है, दूसरा इस टाइप के मल्टीपल फैक्ट, जब देखो इसी पेपर से पता लग रहा है, जब मल्टीपल ऐसे दिया रहता है तो सही होता है, तो वो क्वेश्चन आप सही कर लेते,
तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना। अब देखो आगे देखो, दूसरी बात है ना, ये देखो ये को चीज पकड़नी थी इस क्वेश्चन में, एक और चीज देखो ध्यान से, मैं फिर बताऊं, देखो बहुत सारी चीजें यार, ये खुद से भी ट्राई करो मिलेगी। ये जलवायु प्रदूषण की बात कर रहा है, और यहाँ पे देखो ये मैथेन हो गया, काला कार्बन हो गया, एवं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन केंद्रित है, ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना। चलो आगे देखो, भारतीय मानसून को पूर्वानुमान कर, आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यार, अल नीनो का प्रभाव पड़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इसका कारण है, ये क्वेश्चन बन भी सकता है। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचार मूल्य की इंडियन ओशियन डायपोल, अब इतना पता होना चाहिए, इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर की बात को, डायपोल मतलब कोई ध्रुव बन रहा होगा, बस यही क्वेश्चन में करना था, हो जाएगा आप क्वेश्चन, ध्यान देखना। निम्न खतरों में से कौन सा एक सही है? अब देखो, आईओडी परिघटना उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्ण कटिबंधीय में पूरी प्रशांत महासागर, ये कहाँ से आ गया? बात यहाँ पे इंडियन ओशियन की हो रही है, इंडियन आयुष मतलब हिंद महासागर में दो डायपोल बन रहे, खत्म। आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, सही होगा, जनरल स्टेटमेंट है, सोचना ही नहीं है अभी जी, समझो ये लॉजिक पकड़ो, और यूपी से हमेशा फैक्ट ज्योग्राफी में तो गलत ही होते हैं, याद रखना। यहाँ पे जब हिंद महासागर की बात कर रहा है तो वहाँ पे प्रशांत महासागर क्या कर रहे हैं? अब देखो, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं, निम्न किस स्थान जाना, भीतरकनिका में, तो याद रखना टर्टल्स वो है, क्या बोलते हैं, भीतरकनिका में वो है, कछुआ है, लेदर बैग, लेदर ऑलवे रेडेड टर्टल, ठीक है। दूसरी बात याद रखना कि घड़ियाल है ना मीठे पानी में ही पाया जाता है, ठीक है। अब देखो याद रखो, भीतरकनिका खारा पानी है, पुलकट झील भी ये जस्ट समुंदर के पास में, तो खारा पानी मिलता है यहाँ पे। अरे दीपर भील याद रखना, ये कहाँ पे, शायद असम असम में है, एक बार देखना दीपर भील, देखो एक बार कहाँ पे है, सर्च करो उसको, ये कल उधर है, उधर दृष्टि वालों ने भी दिया था दीपर भील, देखो ये पता होना चाहिए, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो चंबल नदी में ही आएगा आंसर, याद रखना ये चीज़। अरे देखो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन, दीपर बिल तो सुनो, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ इसको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत चर्चित है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है असम असम में है, असम का मतलब कुछ है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है याद नहीं आ रहा यार, असम में ही है सर, असम में है ना, अभयारण्य पक्षी अभयारण्य, ठीक है। अब अगला देखो, ध्यान से देखना, इसका चंबल नदी होगा ना, हाँ चंबल नदी है, क्योंकि अरे ये क्वेश्चन आया भी था, इसकी संख्या मतलब उस टाइम करंट अफेयर में था, ये क्वेश्चन मेरे यहाँ इसी में नदी में ना वो मगरमच्छ पाले जाते हैं, राजा भैया टाइम। हिंद महासागर जो है, ध्यान समझना, देखो हिंद महासागर क्वेश्चन है, नौसैनिक परिसंवाद है, नौसेना के बारे में कुछ ना कुछ डायलॉग हुआ होगा। प्रभारी इनॉगरल आईएनएस भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। अब देखो फैक्ट, पहली बात तो भारत में, ये एक फैक्ट हो गया, ये दूसरा फैक्ट दिया है 2015 में, पहली बार 2008 में हुआ था, तो याद रखना फैक्ट है, गलत होगा सोचना ही नहीं है, ईयर गलत होता है याद रखना ये चीज़, ठीक है, फैक्ट ज़्यादा है भारत है तो याद रखना, ठीक है। आयुषिन एक, अब देखो ये सही हो जाएगा, एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर में, बोला था कभी भी कोई चीज़ दिया हो ना उसको उद्देश्य जरूर दिया होगा, वो जिस पर्पज से बना है, स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच संबंधित सहयोग को बढ़ा, नौसेना सही है, एकदम सही बात है, पहल इनिशिएटिव 100% सही है, मैं कितने बोला, जब दिया रहता है एक उसका एम जरूर दिया रहेगा। अब आ जाओ, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र स्वादिक प्रसिद्ध है, ज़्यादा सोचना है, सबसे ज़्यादा अजंता में तो मिलती है सब कुछ, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना एलोरा में जैनिज्म भी है, बुद्धिज्म भी है, हिंदुज्म भी का ही है, और विष्णु का मिलता है वहाँ पे, विष्णु एलोरा कैलाश मंदिर शिव का है सर, विष्णु का नहीं है, एलोरा में कैलाश मंदिर है, कैलाश शिव भगवान को समर्पित है। अरे अजंता और वो कौन से एलोरा की गुफाएं दोनों पास में तो है ना, यहाँ पे तीनों उसका उसमें वो भी है, विष्णु वाला भी है उसमें, ऐसा नहीं है कि शिव का ही है ओनली, लेकिन फेमस जो है ना कैलाश मंदिर है, हो सकता है तो उसमें वो भी है, उसमें अगर तुम देखो तो उसका भी है, रावण का भी है उसमें, रावण हाँ, तो रावण कैसे बात कर रहे हो तुम, लेकिन आप विष्णु बता रहे ना, ये देखिए
जो राष्ट्रकूट शासक ना शिव के पूजक थे। या तो बहुत सारे टाइम पीरियड में बहुत सारे शासक आए, क्या बात कर रहे हैं उसमें, एक टाइम इसीलिए बने हुए। चलो ठीक है, ध्यान रखना, मतलब तीनों धर्म का है बस इतना याद रखना, क्योंकि यूपीएससी ने आगे जस्ट शायद 2018 में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहली बात देखो, ध्यान रखना, पहली बात याद रखना बहुत, अरे एनसीईआरटी देखो ना, पूरा एक पूरा फोटो दिया है इसके बारे में अच्छे से। अरे साथ वाली एनसीईआरटी का जो चित्र है ना, वो पद्मपाड़ी का ही चित्र है। सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है अजंता में, याद रखना। ठीक है, बादामी पहली बात याद रखना महाराष्ट्र में, ठीक है, और सारे सारे बुद्धिस्ट है। ठीक है, बादामी याद रखना कर्नाटक में है, ये क्वेश्चन आगे बना है 2022 में बना है। भाग याद रखना एमपी में है। ठीक है, एलोरा महाराष्ट्र में है, याद रखना ये चीज। अब आ जाओ ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ठीक है, मिलान वाला है, तीनों तीनों तो कभी ऐसे सही नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये वारावारी वार वारकारी है ना, याद रखना महाराष्ट्र का है, संताल झारखंड में है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तीसरा गलत, बाकी एक बचा झारखंड छत्तीसगढ़ दोनों जगह पाए जाते हैं, मतलब एमपी में भी पाए जाता है, उड़ीसा में पाए जाते हैं, लेकिन संथाल विद्रोह हुआ जो हुआ था झारखंड 1856 वाला समुदाय कम्युनिटी। चलो ठीक है, सिद्धू कानून। अब देखो नंदा नंदा जत्ता यात्रा, देखो नंदा देवी याद है, नंदा देवी पार कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो ये पकड़ना, ये छोटी छोटी चीजें मैं फिर बारा बता रहा हूँ। नंदा देवी, अरे यूपी से आगे जाके 2020 में क्वेश्चन पूछा, तो याद रखना। अरे गोंड जनजाति कहाँ पे पाए जाते, छत्तीसगढ़ एमपी इधर पाए जाते हैं, उड़ीसा उड़ीसा में। ठीक है, चालीबा साहिब उससे याद रखना, ये सही है, सिंधियों का है, तो ये की सही है, ये तो ये पकड़ना, मैं फिर बता रहा हूँ ना, जैस 2018 में भी यही सेम लॉजिक लगेगा, यहाँ पे जस्ट यही पकड़ना था आपको नंदा। बस अब देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखो, निम्नलिखित पद्धति में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। अब देखो ध्यान से समझना, पहली बात 1 2 3 है, कर सकती है तो पॉसिबल है 3 भी आ सकते हैं, पर मैं फिर बता रहा हूँ, पूछ रहा है जल संरक्षण में सहायता कर सकते हैं, पॉजिटिव चीज। भूमि की कम या शून्य जिताई एकदम 100% 0 टिले तो जरूर आएगी, तो पॉजिटिव पहला तो आएगा। देखो इस टाइप क्वेश्चन में एक से तो ज़्यादा ऑप्शन जरूर होंगे। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, ये अम्लीकरण जब होता तब किया जाता है। अब ये अलग चीज़ कॉन्टेक्स्ट चला गया, ध्यान से समझना। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ये वाष्पजन कम होने देगा, एकदम सही बात है, दोनों के दो ही स्टेटमेंट सही होंगे। तो ये चीज़ आ रहा है ना, कभी भी एक नहीं होगा, नन ऑफ द अबो कभी होगा नहीं होगा, तो इन दोनों में से अपन एक बार पढ़ लेना। अभी देखो फालतू की बात कर रहे हैं, जिप्सम का प्रयोग याद करना, अभी देखो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। दूसरी बात देखो, चलो एक चीज़ मैं बता रहा, ध्यान समझना। एक तो ये तरीका था, अपन लॉजिक मतलब नॉलेज के बेस पे किया जा सकता है, इसको बड़ी बात नहीं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जिप्सम का प्रयोग क्यों किया जाता है। माल ध्यान देखना, भूमि की कम जुताई या शून्य जुताई, ये तो अपना सबाई बात है, जब खेत को भाएंगे नहीं, अगर थोड़ा बहुत पड़ा है एनसीईआरटी याद रखना ये चीज़, जब अपन है ना ये हल चलाते हैं तो नमी उड़ जाती है उससे। ठीक है, आगे देखो, खेत के सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, अब ध्यान समझना, यहाँ जिप्सम की जगह और भी कुछ हो सकता है, फैक्ट है, इफेक्ट है तो गलत है। अरे ऐसे पता होना चाहिए, जिप्सम का प्रयोग जब एसिडिफिकेशन जब हो जाता है सॉइल में तब किया जाता है। फसल अवशेष के खेत में रहने देना एकदम सही बात है, जब देखो ध्यान, इसीलिए बोला जाता है मेड़ पे पेड़ लगाने चाहिए, उसे छाया रहती है यार, ये चीज़ याद रखना, ग्रोथ अच्छी होती है पेड़ों की। ठीक है, तो ये दोनों दोनों चीज़ है, अरे सकता दिया है तो अपने पॉसिबिलिटी 3 आएगा ना, नौ दिया आएगा नहीं, दो ही ऑप्शन होंगे। अब यही सेम क्वेश्चन ध्यान से देखना, राष्ट्रव्यापी है, पहली बात तो नेशनल लाइन होगा, मृदा मतलब सोइल के बारे में स्वास्थ्य कार्ड स्कीम है का उद्देश्य है। अब मैंने कितनी बार बोला, उद्देश्य एक ही होता है, सब कुछ नहीं होगा, और होगा तो फिर उसे जुड़ा होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, उद्देश्य एक ही होगा, संचित कृषि योग्य क्षेत्र विस्तार करना, ये क्या बात कर रहे थे एग्रीकल्चर के, यहाँ मृदा स्वास्थ्य की बात चल रही है, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा आकलन, अरे नहीं, कृषि भूमि में देखो, हाँ ये एकदम बात है, कृषि भूमि उर्वरकों के अति उपयोग को रोकना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत में, एनपीके रेशियो गड़बड़ाता रहता है, यही है, अरे यही उद्देश्य है इसका, तो ये चीज़ याद रखना। अब याद रखना उद्देश्य एक ही होता है, बहुत सारे केस में कुछ इसका ऐसा भी हो सकता है, जैसे राष्ट्रव्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का उद्देश्य है सिंचित कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, मृदा गुणवत्ता के आधार पर किसानों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा के आकलन में बैंकों को समर्थ बनाना। अगर जो है मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर ऋण दिया जाएगा तो लोग अपनी मिट्टी की जांच ही नहीं करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, किसान नहीं करवाएंगे, कहेंगे कि मुझे कम लोन मिलेगा,
गांव में अफवाह फैल जाएगी। वो ऐसे भी इलॉजिकल स्टेटमेंट है, इलॉजिकल है। सीधी सी बात है, वो जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जो है सॉइल का स्वास्थ्य के लिए बनाना। आपके मुझे बताओ आपके हेल्थ के आधार पर आपको लोन कैसे मिल जाएगा? ऐसे हेल्थ इश्यू आता है ना जैसे, तो वही चीज बीमा के क्रम में जेनेटिक इंजीनियरिंग बता सकती है कि कब मरेंगे, तो इसलिए जो बीमा करवाते हैं वो डाटा पाए जाएंगे, उनके इशू बन जाएगा, बीमा नहीं करेंगे कंपनियां, मतलब फ्रॉड करेंगे। अब ठीक है, ध्यान देखो, इशू बना था। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ना पहली बार हुआ कि तीनों तीनों स्टेटमेंट सही हुए हैं, एक बात और होगा दो ही बार हुआ है। अब क्यों हुआ ध्यान से समझना। पहला रीजन है यहाँ सामान्यता वर्ड दिया है और यहाँ पे भी संभावित वर्ड दिया है, ये चीज़ ध्यान से समझना। अब जो भाई लिपस्टिक है शीशे में, हो सकता है शीशा कितना प्रकार का होता है, किसी में यूज हो गया तो शीशे शीतल पेय है, ब्रोमीन युक्त वनस्पति तेल संभावित है, चाइनीज फास्ट फूड मोनोसोडियम गुल। अरे है ना, याद करो मैगी का जब चला था 2016-17 के दौर में, मुझे याद अच्छे तरीके से, और इसीलिए मैगी को बैन कर दिया गया था। मैं फिर बताया, ये देखो ये पकड़ो, जनरल स्टेटमेंट है संभावित है, संभावित तो सारे के सारे होंगे, याद रखना ये चीज़, तीनों के तीनों सही होंगे। यूपीएससी हमेशा याद रखना है, सिखाना चाहता है इस टाइप के क्वेश्चनों में, याद रखना ये चीज़। अब देखो कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जित डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड ओएलईडी, कल ही है ना यही सेम क्वेश्चन दृष्टि वालों ने भी दिया था। ठीक है, मतलब ये नहीं था, उसने अलग दिया था, पर यही था एलईडी और इसके बीच में डिफरेंस पूछा था उसने। उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदेश डिजिटल डिस्प्ले सज्जित करने के लिए किया जाता है, द्रव क्रिस्टलीय प्रदेशों की तुलना में ओएलईडी किस प्रकार लाभकारी है? अब देखो ये पॉजिटिव है तो वो याद करो, ओल्ड टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी, ओल्ड खराब होगा न्यू जो है पॉजिटिव रहेगा, सॉल्यूशन लाएगा बस, पर थोड़ा महंगा रहेगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ओएलईडी प्रदर्श नम्य प्लास्टिक अवस्थों पर संचित किए जा सकते हैं, एकदम जनरल स्टेटमेंट है। ओएलईडी प्रयोग से वस्तु में अंतर स्थापित उपरवलय प्रदेश बनाए जा सकते हैं, एकदम सही बात है। ओएलईडी प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्श संभव, सोचना ही नहीं है, तीनों के तीनों मारो, सकते है सकते दिया है संभव। अब देखिए इसमें पॉसिबिलिटी दे दी थी, ऐसे गलत नहीं करना, संभव है सब, तो क्यों नहीं सकते है सकते है, कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं दिया है। अब मैंने बोला था नई टेक्नोलॉजी हमेशा सही होगी, तो तीनों के तीनों पॉजिटिव तो बात बोल रहा है, ये काम कर सकता है, ये काम कर सकता है बस। अब देखो सूर्य मंदिर, ये क्वेश्चन आपकी बारी बन सकता है कि मोढ़ेरा का जो सूर्य मंदिर है, याद रखना मोढ़ेरा जो गुजरात में है एक गांव, उसको पूरा सनलाइट के कर दिया, उसको पूर्णतः पहला गांव है जो पूरा जो सोलर पैनल से वहां पे लाइटिंग है, याद रखना ये चीज़। मोढ़ेरा का एक सूर्य मंदिर भी है गुजरात में, तो इसलिए फेमस में, याद रखना, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपकी बार। ठीक है, और अब की बार याद रखो शायद क्वेश्चन बन सकता है, इधर गुजरात में जो मंदिर है द्वारिका, द्वारिकाधीश, तो क्योंकि मोदी जहाँ जाता है पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन बनने की। ठीक है, सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है, अब तो ध्यान से समझना, ओंकारेश्वर क्या कर रहा है? ओंकारेश्वर शिव जी का होता है, ओंकार, ये चीज़ हमेशा पकड़ा करो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखो, अमरकंटक है, अमरकंटक कहाँ पे? एमपी में, और एमपी में कहाँ पे सूर्य मंदिर का थे? अरसावली, याद रखना ये कर्नाटक में है, यही फेमस है सूर्य मंदिर के लिए। अरे याद रखना गुजरात का मोढ़ेरा का मंदिर, और वो फेमस इसी चीज़ के लिए बना है। और याद रखना सौ के या कितने सर, 50 के नोट पे या किसी नोट पे है वो, सौ के नोट पे तो रानी के वाव है, 50 के नोट पे है मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर, याद रखना ये चीज़। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट होगा, तीन फैक्टर तो एक सही है। ठीक है, अब आगे देखो, ध्यान से देखना, अब यहाँ से एक नई ट्रिक मिलेगी जो आगे जाके आपके पता नहीं कितने क्वेश्चन सोल्व करवाएगी, ध्यान से देखना इधर। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में, ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य, क्या बात कर रहे हो? फर्स्ट पास्ट पहुंची सिस्टम होता है। अब ध्यान समझो, एक और मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, ध्यान समझना, अरे इसी टाइप का ना थोड़ा चुनाव को लेकर क्वेश्चन बनेगा आपके पास, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर मान लो कोई उम्मीदवार, जैसे आपके पास ना दो उम्मीदवार निर्दलीय भी चुने गए, रीजन कहते उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं था, तो ये भी एक जीतने की पॉसिबिलिटी रहती है, पहली बात। दूसरी बात, कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे ना, हाँ शायद कांग्रेस ही आपकी बार बोल रही है जहाँ पे शायद एमपी में कि हम नोटा को वोट देंगे, जहाँ पे शायद उनको उम्मीदवार खड़ा नहीं हो पाया, तो याद रखना अगर नोटा के वोट ज़्यादा भी चले जाए उम्मीदवार से, तब भी उम्मीदवार जीतता माना जाएगा, तो ये चीज़ याद रखना। अरे कोई ज़रूरी नहीं है एक वोट से भी, एक मान लो कोई वोट ही नहीं दे, एक ही वोट मिला तब भी जीत जाएगा,
ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी खामियां भी है, ये चीज़ भी याद रखना कि हमेशा ऐसा होता है कि मेजोरिटी पे है ना माइनॉरिटी जो है वो करता है, शासन करता है, ये हकीकत है। आप हमेशा देखना किसी भी रूलिंग पार्टी को है ना कभी 50% ज़्यादा वोट नहीं मिलते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। तो इसका मतलब लोग नहीं चाह रहे थे फिर भी वो सरकार बना रहे हैं, तो डेमोक्रेसी की खामियाँ हैं। अब आगे देखो, पहली बात ऐसे भी डाटा है, ठीक है, तो ये गलत होता है। अब आगे देखो, ऐसे पता होना चाहिए इतना सा लॉजिक, भारत के संविधान में, अब देखो ये लाइन आपको आगे, और मैं फिर बता रहा हूँ अभी लिख के मैं बता रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन 2024 में लिख लेना, आएंगे इससे, संविधान में दिया है, परिभाषित किया है, इस टाइप के वर्ड जरूर आते हैं। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता था, उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता। क्या बात कर रहे हो, कहीं पे भी संविधान में ऐसा नहीं लिखा है, ये परिपाटी बनी हुई है, याद रखना ये चीज़। मैं फिर बता रहा हूँ, ये ट्रिक पकड़ लो। अब देखो ये यहाँ से लगना शुरू होगी और 2023-24 हर जगह लगेगी, ठीक है, ध्यान समझना। अब देखो आगे क्वेश्चन, भारत में 1991 में आर्थिक नीति उदारीकरण के बाद गठित हुए थे, क्या क्या हुआ था उसके बारे में देखो। जीडीपी में कृषि का अंश बृहत रूप से बढ़ गया था, क्या बात कर रहे हो, इंग्लिश में पढ़ो ऐसे काट दोगे आप। देखो इंक्रीज इनोरमलिस्टली क्या होता है, अरे बढ़ना तो उसको देखो दो यही होता है उसको। अब दूसरी बात मुझे बताओ, याद करो, एग्रीकल्चर जब सिस्टम जो है अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, उदारीकरण आएगा, तो ये क्या क्या बढ़ेगा, आपका सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, मैन्युफैक्चर सेक्टर बढ़ेगा, तो एग्रीकल्चर उल्टा कम होगा ना। अरे बृहत रूप से बढ़ गया तो ऐसे कट जाएगा, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 तो होगा नहीं, आगे बढ़ो। विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया, सोचो एक छोटा सा इतना सा भी बढ़ गया ना तो आंसर होगा, हाँ 100%, क्या बात कर रहे हो, अंश बढ़ गया है, छोटा सा बात। एफडीआई का अंतर प्रभाव बढ़ गया, क्यों नहीं बढ़ेगा, जो जनरल स्टेटमेंट है, भारत के विदेशी विनिमय भंडार बृहत रूप से बढ़ गया था। अब देखो ध्यान से समझना, देखो सबसे बड़ी बात एक चीज़ याद रखना, इसके रीजन क्यों, ये सही है, इसको गलत मत कर देना। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है इसने, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज एनोमसली। अब देखो यहाँ पे वर्ड एनोमसली, पर यहाँ क्यों हुआ ध्यान से समझना, इसका रीज़न ये है, जब क्या होता है ना भारत 1991 में है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चले जाता है, तो मतलब भारत के पास ऐसा होता है 10 दिन का भी पैसा चुकाने के लिए नहीं रहता है। आप सोचो कि देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे मान लो कि आपके पास 2 करोड़ रुपये है और आपको मान लो 1 लाख रुपये दे दे तो क्या ही वैल्यू है, उसको कोई वैल्यू नहीं 2 करोड़ के आगे। पर सोचो उस टाइम भारत के पास 10 रुपये थे और आपको कोई 100 रुपये भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है ना ये, तो यही है, यही कारण है कि ये सही है यहाँ पे, ये याद रखना है चीज़, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा। देखो कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी है, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, जैव डिमनाशिक उत्पादन, जैव निम्नीकरण प्लास्टिक निर्माण, रोग मुक्त जीवों का उत्पादन और जंतुओं की जन्य क्लोनिंग, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे भी पता होगा। कायिक कोशिका याद करो, जो बेड बनाई गई थी, डॉली बेड जो बनाई गई थी, उसमें क्या किया गया था, यही तो किया गया था, उसको यहाँ से इसको लेके उसमें ट्रांसफ़र किया गया था, जंतुओं की जन्य क्लोनिंग से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, शायद मैंने पहले भी बताया था, आया हुआ क्वेश्चन है। क्लोनिंग, ठीक है, यहाँ पे जो प्लास्टिक की बात कर रहा है, यहाँ पे की प्रोडक्शन और ये डिजीज की बात कर रहा है। अरे ऐसे पता रखना वो चीज़ें, बेसिक साइंस पढ़ के जरूर रखना, अरे पता होना चाहिए। अरे डोली बेड पता है, वो इसी के द्वारा बनाई गई है। अरे इसमें पूछ रहा है काय की, अरे न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियर जो होता है वहाँ से उसको ट्रांसफर करके, अरे पहले वाला शब्द पढ़ी करते हो, काय की कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी, काय की मतलब पूरा शरीर की बात कर रहा है, इसमें सिर्फ रोग की बात कर रहा है, और शरीर मतलब क्लोन शरीर ही होता है, मतलब दो समान शरीर हो उसे क्लोन कहते हैं। हाँ वो भी लग सकता है, इतना तो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आगे पीछे पीछे गए थे मिस्ट्रीफ, हाँ वो सॉरी ये आ रहा ना, हाँ वही तो, डोली बेड का निर्माण किया गया है, उसके हाँ टिकटॉक का मुद्दा आ गया था ना, ठीक है। आगे देखो, अब ध्यान देखना, ये क्वेश्चन 2018 में भी आएगा सेम क्वेश्चन। अब देखो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है, अरे क्यों नहीं करेगा, छोटा सा भी काम कर दे, मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सही होगा। NPCI ने एक कार्ड भुगतान स्कीम रुपए प्रारंभ किया है, याद रखना है, दोनों के दोनों सही होंगे।
अरे जनरल स्टेटमेंट यार है ना, सही देता है। आप देखो सबका अलग अलग लॉजिक होता है, कोई किस लॉजिक से करता है, ध्यान से देखना। आई एम प्रिपेयर्ड से शब्द कभी कभी समाचार में किस संदर्भ देख, देखो अगर भाग के देखो तो ऐसे उधारिया होती है और उसी के आधार पर भागों की है ना गणना की जाती है, तो ये वही है आंसर, इसी का यही है। चलो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखो ध्यान देखना, मान लो एम एस टाइप शब्द है, ध्यान समझना, समाचारों में रिपीटेशन में रहा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, पहली बात ये चीज़ समझना, करंट अफेयर क्वेश्चन को लॉजिक समझना, ठीक है। वन्य प्राणी जात का बुद्ध प्रजनन, अरे इससे क्या रिलेटेड है, मतलब नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है टाइगर, टाइगर ऐसे भारत का क्या है राष्ट्रीय पशु, बस स्वदेशों को दीक्षा प्रणाली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा क्या बात करें। आप देखो ध्यान देखो ये क्वेश्चन कितना इलॉजिकल बनाते हैं यूपीएससी वाले, मैं फिर बता रहा हूँ हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 1 2 3 याद करो, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। वस्तु सेवा कर सर्वाधिक संभावित लाभ, याद रखना सर्वाधिक पूछ लिया तो मिनिमाइजेशन पे चले जाओ, एक या दो में से आंसर आएगा, ये चीज समझ लेना पहले। सर्वाधिक बोल दिया तो स्पेसिफिक बोल दिया, स्पेसिफिक बोल दिया तो एक या दो में आंसर आएगा। यह भारत में बहु प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा, एकदम सही बात है, जीएसटी का यही तो काम था। अब ये तो सही हो गया, अब आगे देखते हैं। यह भारत के चालू खाता घाटे की प्रबलता से बस कम करके उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने तो सक्षम बनाएगा, इंग्लिश पढ़ो इधर, ड्रास्टिकली बस सोचना ही नहीं काटो। यह भारत की अर्थव्यवस्था को समृद्धि और आकार का बृहद रूप से बढ़ाएगा, इसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकाल जाने योग्य बनाएगा, क्या बात कर रहे हो, सोचना नहीं, फालतू की बात है जीएसटी का। और मैं फिर बता रहा हूँ ना, ये एम ही पूछ रहा है, अरे एम है तो तभी एक ही आंसर होता है, यही एम है इसका, मतलब याद रखना ये चीज़, स्पेसिफिक पर्पज यही है उसको, इसीलिए तो बनाया गया था, सोचना नहीं है, यूरोपीय संघ मारो आंसर। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं खुद ऐसे क्वेश्चन सही किया हूँ, 2019 वाला क्वेश्चन देखो, 2019 में भी आएगा सेम। चलो ठीक है फिर भी पढ़ लेते हैं, व्यापक आधार युक्त, फिर भी देखो ना 2016 उधर क्वेश्चन आया यूरोपियन यूनियन से, उससे पहले भी आया, कितनी बार आया। व्यापार आधार युक्त व्यापार और निवेश करार, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बेटा, कभी कभी समाचार में भारत और निम्नलिखित में से किसके के बीच संदर्भ में दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो ध्यान समझना, खाड़ी के जो देश है काउंसिल इसका परिषद है, ठीक है, आर्थिक सहयोग संगठन है और संघाई सहयोग संगठन है। अरे एक चीज़ याद रखना, भारत अगर थोड़ा बहुत अगर करंट अफेयर में पढ़ा होगा, भारत है ना पिछले बहुत सालों से अरबी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहा है यूरोपीय यूनियन के साथ, अरे इसी का ही एक स्टेप है ये बेटा, ठीक है। दूसरा एक चीज़ याद रखना, देखो खाड़ी सहयोग परिषद में याद रखना पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा भारत से व्यापार हो, तो ये कट गया, ठीक है। एससीओ में, एससीओ तो ऐसे भी भारत उसका मेंबर है, अब उस टाइम नहीं बना था, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। चीन है तो ऐसे भी है ना भारत से कभी वो चीन ऐसे व्यापार, जैसे आरसीईपी में याद रखना भारत क्यों गया है बाहर, आरसीईपी में बाहर जाने का ना चीन है वहाँ पे, जहाँ चीन होगा भारत नहीं जाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी, इसमें भी चीन है, ओईसीडी है ना ये, ठीक है। तो ऐसे दूसरी याद रखना, यूरोपीय यूनियन आंसर बनता है, इसका रीजन है ऐसे पता होता, आपकी बार भी आ सकता है। भारत है ना शायद अब यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आगे बढ़ रहा है अभी, तो याद रखना ये चीज़। अब देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 नैन ऑफ दी, अब जनवरी 2016 में पर्वत हुआ था, इस टाइप का फैक्ट याद रखो, गलत होता है, सोचना ही नहीं है। अभी देखो इसी पेपर में कितनी बार लग गया, ठीक है। अब चलो देखो, भारत ने WTO के व्यापार सकुर बनाने करार का अनुसमर्थन किया, एकदम सही बात है, लॉजिकली जनरल स्टेटमेंट है, काटना नहीं है इसको। अब भाई आप भी सोच रहे इसको गलत कैसे बनाओगे, आप इस स्टेटमेंट को, TFA WTO के बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे देखो कितना बड़ा झोल है, ये पकड़ो ध्यान देखना, ये बात कर रहा है TFA WTO बाली मंत्री स्तरीय पैकेज 2013 का एक भाग है। अब ये बोला 2016 में पर्वत हुआ, अरे ये बोला ऑलरेडी इसका पार्ट है वो, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो ये इन दोनों में से एक सही होगा, और ये एक सही है तो ऑलरेडी दो हो गया आंसर सही, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात देखो, ये चीज़ एक भाग है तो सही होगा, ये ऐसे जनरल स्टेटमेंट है, ये फैक्ट है गलत होगा, अरे ऐसे तीन स्टेटमेंट में दो ही, ये चीज़ याद रखो। अब देखो आगे देखो, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित, चाबहार पता होगा ईरान में किया जा रहा है, बस इतना सा याद होना चाहिए, क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस पूछा, ध्यान से देखना। अफ्रीका देशों से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी, ये ऐसे फालतू की बात बोल दिए, अरे ऐसे भी अफ्रीका देश कहाँ, अपन ये ईरान में है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तेल उत्पादक अरब देशों से भारत के संबंध सुदृढ़ होंगे, अच्छा।
और पहली बात मैं फिर बता रहा हूँ, ईरान में है। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंच के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, एकदम सही बात है। अरे ईरान से तो होके अपन एक बना भी रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यही मेन सबसे इम्पोर्टेंट यही है, पाकिस्तान ईरान को भारत के बीच गैस पाइपलाइन, अरे ये तापी गैस लाइन है जो पाकिस्तान के कारण कभी वो नहीं सफल हो पाई। उस टाइम जब मैं ना दिल्ली में पहली बार आया था और मैं डेमो क्लास लिया था, उस दिन यही पढ़ाया जा रहा था और वो अशोक सर पढ़ा रहे थे, अशोक सर के ICS वाले, वो कोचिंग ही ख़त्म हो गई दिल्ली में, अब यहाँ कोचिंग लुप्त होती रहती है। ठीक है, अब आगे देखो, भारत में ध्यान से बना, अब देखो साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित किनके विदित आदेशात्मक है, अब ध्यान से देखना भाई, कहीं पे भी आप सभा की बात है किन के लिए विदित आदेशात्मक है भाई, सभा की बात है इन सबकी जिम्मेदारी, देखो तीनों तीनों है जनरल, तीनों के तीनों आएगा, क्वेश्चन डिमांड वाइड है, थोड़ा इस क्वेश्चन समझ लो। इन इंडिया इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर विच द फॉलोइंग रिपोर्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, भाई सबको कोई भी कर सकता है, डाटा सेंटर तो करेंगे, बॉडी कॉपरेट कोई भी करेगा, तीनों के तीनों ऑप्शन आएंगे, ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ ये ट्रिक नया पकड़ा है, ये इस टाइप में जब भी तीनों जनरल स्टेटमेंट दिया रहता है और क्वेश्चन की डिमांड स्पेसिफिक नहीं है तो तीनों के तीनों सही होते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ इधर, भारत में मताधिकार निर्वाचित होने का अधिकार, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अरे NCERT में दिया था इसलिए UPSC ने सही माना था इसको, बहुत सारे क्योंकि UPPCS ने इसको विधि का अधिकार बोल दिया था, अरे UPSC ने इसको सब बच्चे विधि का अधिकार मार के आए, UPSC का रिपीटेड क्वेश्चन है ना ये, हाँ वही तो, UP हाई कोर्ट भी माना है, अपन ये NCERT में दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसलिए UPSC ने ये माना है, इसका प्रूफ दिया था फिर UPSC ने, ये चीज़ याद रखना। अब तो यही क्वेश्चन 2022 में आएगा, ठीक है, याद रखना ये चीज़, विकसित वो यूवर्ल्ड लीजा, बस इतना ही पढ़ना था उसमें। अब देखो विकसित, ठीक है, लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष में एंटेना है, यूवर्ल्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना, गुरुत्वीय तरंग कहाँ मिलेगी आपको, याद रखना यही चीज़ होगा। दूसरी बात देखो, संशोधन करना ये तीन में दिया है, संशोधन करना तो एक तो कटाए काट ही देंगे, ठीक है, तो ये 16 फेवरेबल का अध्ययन करना याद रखना, आदित्य L1 मिशन अब की ओर आ भी सकता है, क्वेश्चन आएगा 100%, याद रखना, पर शायद उसने लॉन्ग रेंज पॉइंट का पूछ लिया था 2022 में, फिर भी पूछ सकता है क्वेश्चन, याद रखना। चलो ठीक है, चलो अब देखो ध्यान देखना, पहली बात तो देखो इस क्वेश्चन में अंतरिक्ष में दिया तो ये कट जाएगा, अंतरिक्ष में क्या करोगे तुम, रक्षा प्रणाली सौर प्रज्वल प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, और ये देखो विकसित लेजर व्यक्तिकरण में तरंगों का संशोधन करना न्यूट्रॉनों का तरंग गुरुत्वीय तरंगों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन है ग्रेविटेशनल वेव, याद रखना UPSC बार बार इस पे क्वेश्चन पूछा है। दूसरी बात याद रखना ये नासा का है प्लस यूरोपीय यूनियन का है, और यही क्वेश्चन UPSC में फिर दोबारा पूछा था। देखो विद्यांजलि मतलब होता है ऑफर करना, विद्या को अर्पण करना, ठीक है, तो इसका उद्देश्य होगा तो एक ही होगा उद्देश्य, क्या प्रयोजन है, प्रयोजन का मतलब उद्देश्य होता है, सोचना नहीं आंसर, देखो नए पैटर्न में मैं बता रहा बहुत फायदा है, सोचना ही नहीं है, एक आंसर आएगा बस, ये देख लेंगे थोड़ा सिमिलर ऑप्शन ना दियो। प्रसिद्ध वैश्विक शैक्षणिक संस्था भारत ने अपने कैंपस, याद करो ये स्टेटमेंट पहले भी UPSC ने बनाया था, और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ UPSC बार बार ऐसे स्टेटमेंट रिपीट करता है, जैसे नदी जोड़ो वाला कितनी बार रिपीट करती हो गया। विंध्यांजलि योजना निजी क्षेत्र और समुदाय की सहायता लेकर सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, एकदम सही बात है, पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के आधारिक संरचना सुविधा के संवर्धन के लिए निजी व्यक्ति और संगठन ऐच्छिक वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित करना, क्या बात करें, अब यहाँ पे प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय क्यों आएगी, कॉलेज क्यों नहीं आएंगे, तो इसलिए भी कट जाएगा, याद रखना। और ऐसे विंध्याजलि योजना है भाई ऑफर करना, मतलब आप अपने जो ज्ञान है जो भी सीखा है, मैं भी इसके तहत पढ़ाने गया था, मुझे पता लगा ये स्कीम का, मैं गया बोलते नहीं कलेक्टर से अनुमति लेके आओ पहले मैं बोला भाड़ में जाओ तुम लोग, ये हकीकत है इंडिया में इतना चीज़ें नहीं होती है ना, एप्लीकेबल नहीं है चीज़ें, स्कीम बनी जाती है ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं करती है, हकीकत है कौन कितने पढ़ा रहे होंगे इसमें, कोई कुछ नहीं पढ़ा रहा। अब देखो ये भी है, ये जब मैं NIT में उस टाइम था तो हमारे कॉलेज ने भी एक गाँव को डोनेट लिया था, तो वहाँ पर ये चीज़ें की जा रही थी, 2017 पेपर है ना उसी टाइम की बात है। उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है, ध्येय क्या उद्देश्य क्या है, वो एक पूछ रहे ध्यान से समझना। पहली बात उन्नत बनाना, उन्नत मतलब सबाई डेवलपमेंट विकास की बात कर रहा होगा, ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़। उन्नत भारत अभियान है पहली बात, इंडिया के लेवल पे है,
स्वैच्छिक संगठनों, सरकारी शिक्षा तंत्र तथा स्थानीय समुदाय के बीच सहयोग पर ये डाटा हालतों का 100% साक्षरता प्राप्त करना है। उन्नत भारत की मैं बात कर रहा हूँ, उन्नत भारत हर तरीके से बनाएंगे अपन, एजुकेशन नहीं। अब आगे देखो, उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदाय से जोड़ना जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। एकदम सही बात है, पॉजिटिव है। अब मैं बोला था हमारे कॉलेज ने लिया था एक गांव को डोनेट, मतलब ऐसा होता है आईआईटी एनआईटी सब बड़े बड़े जो कॉलेज लेते हैं और वहाँ पे अपना जो भी टेक्नोलॉजी जो भी सीखते हैं। तो हमारे कॉलेज ने उस टाइम है ना बस्तर वस्तर में क्या होता था कि लोग जैसे वहाँ पे क्या है रोड वोड बनी नहीं है, जो नक्सल जो होते हैं लोग उड़ा देते हैं रोडों को, तो उन्होंने बाइक एम्बुलेंस बनाई थी हमारे कॉलेज ने, तो डोनेट किया था। तो ऐसी चीज़ें इनोवेशन करते रहते, देखो ये प्रौद्योगिकी, तो ये चीज़ याद रखना। भारत को वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक शक्ति बनाने के लिए भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान से तो सशक्त करना, ये फालतू की बात है। ग्रामीण नगरीय निधन व्यक्तियों, मैं फिर बता रहा हूँ हमेशा लोगों के लिए क्या काम हो रहा है, डेमोक्रेसी में हमेशा ये चीज़ याद रखना। ग्रामीण कभी संस्था को क्या करोगे तो मजबूत करके, ग्रामीण और नगरीय निधन व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा के लिए विशेष निधि विनियोजन कर मानव पूंजी विकसित करना, ये और लगा लगा देखो कितना बढ़ाया जा रहा है, जबरदस्ती छोड़ना, ठीक है फालतू की बात कर रहा है। और मैं फिर बता रहा हूँ गवर्नमेंट जो कार्यक्रम होते हैं ना उनका सिंपल सा वो कम से कम, अरे भाई एक ब्यूरोक्रेट लिख रहा है ये चीज़ हमेशा याद रखना। मुझे बताओ इतने बड़ा किसी स्कीम को देश से देखोगे आप तक कभी नहीं मिलेगा, लिख के दे रहा हूँ गारंटी भाई, ब्यूरोक्रेट काम कर। और तुम्हें पता है मेंस लिखोगे तब ना, मेंस में इंग्लिश कंपलसरी पेपर आता है और उसमें प्रेशर राइटिंग होता है, प्रेशर राइटिंग का दिया इसीलिए जाता है आपको 3 पेज का दिया जाएगा, उसको बोलेगा 100 शब्दों में लिखो, भाई आईएएस का काम यही होता है। नहीं तो तुम भी अगर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिखने लगे फिर क्या मतलब है फिर आईएएस बन के, तो ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना है ये चीज़, भारत का निर्वाचन आयोग 5, अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखना अच्छे से पढ़ लेना उसके बारे में। 5 सदस्य निकाय डाटा है गलत है, पहली बात याद रखना 3 सदस्य निकाय है, ठीक है ये गलत है। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, अच्छा चुनाव गृह मंत्रालय से मिनिस्ट्री गलत होती है याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, फिर ये सोचना चुनाव आयोग क्या काम करेगा जब ये अरे सोचना मिनिस्टर करने लगा तो मोदी, वो अमित शाह बैठा है भाई वो अपने अनुसार करेगा फिर कुछ भी गलत है, ठीक है। तो ऐसे तीन फैक्ट तो एक ही सही होगा याद रखना। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, याद रखना ये चीज़ आखिर क्वेश्चन बन सकता है ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऐसे भी एक ही सही होगा, 3 फैक्ट एक सही होगा। अब आ जाओ, मैंने बोला था देखो 1972 एक्ट, मैं फिर बता रहा हूँ पढ़ लो इसको अच्छे से, क्वेश्चन बनता है हमेशा। भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो, अब इतना सा भी आइडिया है अनुसूची 1 में बाघ आता है टाइगर आता है तो भाई सीधी सी बात, बस इतना सा लॉजिक चाहिए, इसे संरक्षण वही स्तर प्राप्त जैसे भाग को, एकदम 100% यही आएगा आंसर, सोचना ही नहीं है भाई। अनुसूची वन में भाग को जब है तो ये भी इसमें आ गया तो उसको वही लेवल मिलेगा ना, डाला है उसी ले जा रहा है उसको, इसका वन अब देखो ये कितने, अब देखो अब ध्यान समझना ना, अब जैसे जो एग्जामिनर है उसके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब उसको 3 स्टेटमेंट बनाना है, अब देखो कैसे दिमाग लगाएगा इसका, अब वन्य क्षेत्र में अस्तित्व समाप्त हो गया है और कुछ प्राणी बंदी संरक्षण के अंतर्गत है, अच्छा देखो अब देखो ये वर्ड जबरदस्ती गलत बनाने के लिए, और अब इसके विलोपन को रोकना असंभव हो गया नेगेटिव बातें कभी सही नहीं होती चाहिए रखना, ये भारत के विशेष क्षेत्र में स्थानिक है, क्या बात कर रहे हैं फालतू की बात है ये चीज़। अब देखो ध्यान से बना, अब देखो लक्ष्मीकांत ने ना ये जुडिशियल रिव्यू जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो अगले साल उसने एक नया चैप्टर ही जोड़ दिया, देखो मैं फिर बता रहा हूँ बुक ऐसे ही चलती रहती है, जो बुक रहती है ये नहीं था पहले लक्ष्मीकांत में, यार मेरे पास अभी भी पड़ी, मैंने 2014 में खरीदी थी तब, तो अब जब ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तो लक्ष्मीकांत ने एक अलग से पूरा चैप्टर डाल दिया यही होता है, तो यही होता है देखो ना, अदर पीसीएस एग्जाम में यूपीएससी एग्जाम में यही फर्क है, यूपीएससी एग्जाम है ना कोचिंग वालों को पीछे पीछे दौड़ाती है, अरे पीसीएस वीसीएस जो एग्जाम है ना कोचिंग वालों के पीछे भागते हैं पेपर बनाने में भी। चलो ठीक है ध्यान देखना, भारत में बात है न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक को तो सब जुडिशरी से जुड़ा होगा, पुनरीक्षण मतलब कोई भी संविधान, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपके दोबारा भी आ सकता है, जैसे जुडिशियल रिव्यू किया गया आर्टिकल 370 का जुडिशियल रिव्यू किया गया वो वही चीज़ है, ठीक है। अर्थ है मैंने बोला था ना इस टाइप के क्वेश्चन, ये आंसर विधियों और कार्यपालिका आदेशों की सावैधानिकता के विषय में प्रख्यान करने का न्यायपालिका अधिकार, मैंने बोला था न्यायिक न्यायपालिका पुनरक्षण पुनर्दे व्याख्यान करने का न्यायिक, ठीक है। तो यही आंसर आएगा, देखो विधानमंडल द्वारा नियमित विधेयक प्रगान को प्रसंगत करने का न्यायपालिका अधिकार, अच्छा अरे प्रश्न नहीं करना न्यायपालिका सभी ये काटो,
न्यायपालिका का समान या विभिन्न वादों से पूर्व दिए गए सभी के फालतू की बात है। अरे इतना सा तो पता होना चाहिए, जैसे आर्टिकल 370 का जुडिशियल रिव्यू हुआ, द पावर ऑफ द जुडिशियरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी द लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। अच्छे अच्छे स्टेटमेंट ऐसे। अब देखो भारतीय स्वतंत्र संघर्ष के समय निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, काल का टाइम पीरियड वाला ध्यान से देखना अभी चीज़ को ना। देखो दो सेम है, आंसर ये गया ठीक है। अब देखो अपने को इधर बोला था दो पहले पे है, इधर एक पहले पे बोल रहा है ना, तो सारे दे दिया, पहले के तो सोचना है, पर इतना तो पकड़ लिया अपन ठीक है, आएगा तो इसी में आंसर। अब इसको भी तो क्वेश्चन भी तो देख लेते हैं एक बार। रॉयल इंडियन नेवी गदर, नेवी में गदर हुआ था यार, अगर 1946 में हुआ था ये 45-46 के दौर में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, ये आराम से बन गया। सबसे पहले ये 3, फिर आएगा ये 2-1 आगे आंसर। अब इतना तो पढ़ के रखना, ये रॉयल इंडियन नेवी में यार रखना, गदर 1946 उस टाइम होता है, जो शाहनवाज खान ने यही 2021 में क्वेश्चन आया था, वो उसी टाइम के दौर में हुआ था जब वो चल रहा था, तभी तलवार थी वो जो जहाज तलवार ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना कौन सा सही है। पिछले दशक में पहले भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में सतत वृद्धि हुई। मैं फिर बार बार बताऊँ, यार अगर परसेंटेज वाला डाटा दिया तो ऐसे गलत हो जाएगा। पिछले दशक में भारत के जीडीपी के प्रतिशत रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है। क्या बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों गलत होंगे। और ये चीज़ को मैं फिर बार बार, आगे भी आएगा यही चीज़। अब देखो ये वापस से आ गया, ये 2022 में भी आएगा, 2020 में भी आया। हाल ही में कुछ शहरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में किस एक स्थल पर आवंटित किए जाने का प्रस्ताव था। देखो ध्यान से समझना, अरे ना थोड़ा मैं फिर बताऊँ, इंडिया का मैप पर जरूर आइडिया रखना। अगर आप गुजरात का और एमपी का लोकेशन देखोगे ना, सेम उस पर है एल्टीट्यूड में, तो सब बात उनका सेम एल्टीट्यूड देखा जाएगा ना उनके लिए। अब देखो कार्बेट राजधानी यहाँ रखना उत्तराखंड में है, ठंडा प्रदेश है तो गर्म होगा, कैसे लेके जाएगा। इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, इंडिया का मैप अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे इंडिया का मैप अगर आइडिया है। अरे 2018 देखो कल करवाऊंगा मैं, उसमें आया था, जब भी कर पाऊंगी। जब 94 कहाँ है, 94 करवा तो दिया हूँ, कहाँ सो रहे हो तुम, जागते रहो भाई जागते रहो। दोनों फैक्ट है, वो डिकेड की बात बोल रहे ऐसे गलत होगा। अब देखो ध्यान रखना, तो ये चीज़ याद रखना, देखो जो देखो गुजरात का पकड़ो, उसी क्लाइमेट कैसा है, वैसा ही सेम क्लाइमेट में जाएगा तो उत्तराखंड में क्यों जाएगा ये ठीक है। सर इसका राष्ट्रीय उद्यान याद रखना कहाँ पर, राजस्थान में है, कोनो पालमपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, कोनो एम, अरे यहीं पे याद करना, चीता भी यहीं पे लाए गए हैं कोनो में, याद रखना ये चीज़। नामे में बहुत सारे देशों से लाए गए, एक वो तो स्टार्टिंग में नामे भी ऐसे लाए थे, अफ्रीका से ही महाद्वीप से लाए ज़्यादा। मुदुमली वन्य जीव अभ्यारण्य ये केरल वेरल में, मुदुमलाई केरल तमिलनाडु, तमिलनाडु का मुझे लग रहा है। अमित कहाँ पे है, अमित सो गया, तमिलनाडु में ना, कहाँ पे है देख कर बताना पड़ेगा। अरे तो कैसे मुदुमलाई वन्य जीव कहाँ पर है दोस्त, मुदुमलाई नहीं ना, तो मीनार दिख रहा है, सर्च कर लो ये बिना पता। चलो ठीक है ध्यान से देखो, इधर वन्य जीव अभ्यारण्य में होगा ठीक है। पर यह ना बाद में कैंसिल हो गया था, कुछ नहीं किया था, तो गुजरात में विरोध हुआ था तो फिर कैंसिल आउट हो गया था, गिर फॉरेस्ट के उन्हीं को लाया जा रहा था। चलो नीलगिरी तमिलनाडु में है सर, नीलगिरी पर्वत। अरे मैं नीलगिरी नहीं पूछ रहा हूँ, मधुमलाई पूछ रहा हूँ। हाँ वो नीलगिरी पर्वत पे ही है तमिलनाडु में। अच्छा तो नीलगिरी पर्वत पे है ठीक है, देखिए मैं सही था। चलो आगे देखो, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। अरे ना देखो ध्यान समझना, इस टाइम में बच्चे गलतियां करते हैं, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ध्यान समझना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है दिक्कत हो रही है तो आप ये मत पढ़ो। अब ये सोचो कि क्या क्या हो सकता है, राज्य विधानसभा का विघटन, अरे राज्यसभा देखो ध्यान समझना, जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है ध्यान समझना, जैसे मान लो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है सेंट्रल पर, ध्यान समझना है लॉजिक को। अब इसको मान लो जैसे अभी बात चल रही थी ना बंगाल पे लगाने की, बंगाल का लेते हैं एग्जांपल,
ध्यान से समझना ये चीज़, लॉजिक समझो इस चीज़ के पीछे। राष्ट्रपति शासन लगा दिया, यहाँ पे मांग चल रही थी संदेश खाली के कारण, ठीक है। तो मान लो जब यहाँ पे मान लो कि राष्ट्रपति शासन लगेगा, ध्यान से समझना, तो यहाँ की जो सरकार जो चुनी हुई है, जो मंत्रिमंडल होता है उसको हटाया जाता है। अरे आप एक खुद एक लॉजिक लगाओ, नहीं तो सोचो कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अगर भारत आज़ाद हुआ तो आपसे पता नहीं कितनी बार यूज हुआ है, आप सोच ही नहीं पाओगे कितनी बार सरकारें गिराई गई। मुझे बताओ चुनाव कराने में कितना सोचो फंड लगता है, कितने चीज़ें रिसोर्स, पूरा देश रुक जाता है उस टाइम, कोई डेवलपमेंट का काम भी नहीं होते हैं। तो विधानसभा का अगर विघटन कर दोगे तो फिर दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे, तो वो कभी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये तो मैंने बोला था राज्य मंत्री परिषद को हटाया जाएगा, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसको हटाया दिया जाता है, ये तो होगा। स्थानीय निकाय विघटन, अरे भाई इसका क्या मतलब है, राष्ट्रपति शासन लगेगा तो उस पर लगेगा ना, ये भी नहीं होगा। अब देखो आपने मान लो ये नहीं पढ़ा तो ये एक आ रहा था, आप पढ़ो नहीं है तो मतलब दो आ गया आंसर, तो ये चीज याद रखना। अरे ये लॉजिक याद रखना, ये चीजें गलत मत करना कभी। और मैं फिर बता रहा हूँ ना, पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको कोई भी जरूरी नहीं आपको आते हैं, पर हमेशा ये चीज याद रखना उन क्वेश्चनों के लिए, आपको अगर नॉलेज है पॉलिटी समझ है तो देखो। अब ध्यान देखिए ये क्वेश्चन है, अब देखो ये गलत नहीं होना चाहिए, चारों कभी होंगे नहीं। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्न कौन से परिकल्पित, अब देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार स्पेसिफिक पूछ लिया तो सारे ऐसे ही होंगे नहीं। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 सोचना ही नहीं है, दो ही आएंगे। अब देखो 23 और 24 अभी पता होने फंडामेंटल राइट, ये क्वेश्चन गलत मत करके हो। उन्होंने आर्टिकल 17, ये आर्टिकल बंधुआ मस्जिद देह व्यापार 23, अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आता है। कारखानों खाद्य बच्चों के लिए आर्टिकल 24, बस सोचना ही नहीं, अभी पता होना चाहिए। यही सेम क्वेश्चन आगे भी आएगा, 2020 में भी आएगा, 21 में भी आएगा। अब तो ये क्वेश्चन मैंने बोला था उधर पहले भी आया था, ये क्वेश्चन किसका 97 का ये है ना, दो स्टेटमेंट है। अरे ये देखो ना, ये पूछ रहा है, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आर्टिकल 23 और 24 में तो बात की गई है। अभी देखो ये अस्पताल उन्मूलन तो आर्टिकल 17, तो ऐसे कट जाएगा। ये अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक की बात है। कारखानों में ये तो आर्टिकल 24 है ही, और ये आर्टिकल 23 है ही, तो दो ही तो आएगा। अब आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट। अब देखो ग्रेट निकोबार, ध्यान से समझना, अंडमान निकोबार, ये वाला भारत का पार्ट है ग्रेट निकोबार, ध्यान से समझना। थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा ना, जस्ट यहाँ पे याद करो, एक क्वेश्चन भी आया था, ये एक क्वेश्चन आगे भी आएगा, पहले भी आया था, और मैंने बोला था एक क्वेश्चन रिपीट होगा आगे जाके। यहाँ पे इंडोनेशिया, जस्ट इसके पास में याद करो, एक जो चक्रवात आया था इंडोनेशिया से, उसका नाम इस टाइप से क्वेश्चन आया था पहले। अब देखो ध्यान समझना, सुमात्रा जावा, श्रीलंका तो ऐसे नहीं होगा, श्रीलंका देखो सोचो ये मेन लैंड से बहुत दूर है भारत के, श्रीलंका यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। यहाँ पे देखो मैप भी देखोगे, देखो ध्यान देखो, वो सुमात्रा जावा वाला, देखो सुमात्रा जस्ट दिख भी रहा है मैप में, खोलोगे आंसर। अब देखो दूसरी बात ये, देखो सुमात्रा जावा, जावा इधर है, अरे ना इनका शायद ऐसा है इंडोनेशिया की तीन राजधानी ऐसा कुछ करके है, बोर्नियो द्वीप है, मतलब कि तीन देशों का है नियंत्रण, बोर्नियो जो द्वीप है उस पर तीन देशों का नियंत्रण है। नहीं इनका मैं इंडोनेशिया बता रहा हूँ, इनकी राजधानी ऐसा है, दो तीन है इनकी राजधानी, तो ऐसा इस मौसम के अनुसार ऐसा चलती रहती है। हाँ इनका ऐसा है कुछ, लेकिन इसका तो कुलांतर है। चलो ठीक है, ये चीज़ याद रखना, तो ये होगा नहीं, सुमात्रा ही है। सुमात्रा देखो मैप में जस्ट खोलोगे तो सुमात्रा दिखेगा, जावा तो ऐसे ही बहुत दूर है, जावा उधर वाले कोने में। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये बहुत ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कितनी बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप के सरकार के अंतर्हित सिद्धांत की अभिव्यक्ति करता है। अब ध्यान से देखो, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा तो उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। क्या बात करें, इलॉजिकल बात है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। सरकार के जनता के प्रति, ये देखो जनता के प्रति मैंने बोला डेमोक्रेसी, सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। अभी देखो ये क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखना ना, 2021 में इसी क्वेश्चन से, ओनली इसी क्वेश्चन से, देखो ये है पीवाईक्यू की पावर, इसी क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन बने थे 2021 में, तीन क्वेश्चन सोचो, इसी क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन बने थे। अरे वो देखो कैसे,
निम्नलिखित में कौन से एक भारतीय संघ राज्य पद्धति विशेषता नहीं है? अब ध्यान समझना, स्वतंत्र न्यायपालिका तो भारत में है, तो ये तो भारत की विशेषता है, ठीक है। अब यूपीएससी 2021 में यही क्वेश्चन पूछा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया समवर्ती सातवीं अनुसूची के तहत किया गया है, ये भी भारत में है। संबंध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, याद करो राज्यों को प्रतिनिधित्व है और असमान ही है, सबका सीटें इक्वल नहीं है, पर याद रखना अमेरिका में इक्वल है, वहाँ पे सबको दो दो सीटें मिली हुई है। यह संबंध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम, अरे नहीं ये अमेरिका में, अरे ऐसे भी देखो तीनों सही हुए तो बचा क्या, यही। और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन 2021 में अलग अलग तीन क्वेश्चन बने थे, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया, जो मैंने चीज़ें बोली है पीवाईक्यू करो, मैं फिर बारह बता रहा हूँ, 1995 से कर लो, हिस्ट्री पॉलिटी क्वेश्चन रिपीट होंगे वहाँ से। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।